हेलो एवरीवन, वेलकम टू StudyIQ। कला और संस्कृति के जो प्रश्न हैं, ये कुछ समय से एग्जामिनर्स के फेवरेट बने हुए हैं, चाहे वो यूपीएससी एग्ज़ाम हो, चाहे वो एनटीपीसी हो या अन्य एग्ज़ाम्स हो। स्टेट पीसीएस में भी आर्ट एंड कल्चर की वेटेज बढ़ी है, ख़ास तौर पर जो उत्तर भारत के एग्ज़ाम हैं, चाहे यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, सेंट्रल इंडिया, राजस्थान में तो बहुत ही ज़्यादा आता है कला संस्कृति। तो आर्ट एंड कल्चर के पिछले पूरे एक साल की करंट अफेयर की कंपाइलेशन मैंने की है इस एक वीडियो में। अगर आप ये एक वीडियो देख लेंगे तो फिर आप कला और संस्कृति में कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। इस वीडियो को मैं आप तक लेकर आ रहा हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर गौरव गर्ग और आप मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पर अवेलेबल हूँ। मेरी इंस्टाग्राम आई डी है टायरलेस सोल और फेसबुक पर facebook.com/gauravgargeducation। और मैं आपको बता दूँ, StudyIQ के पेनड्राइव कोर्स आते हैं जिनसे आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं, पूरे सिलेबस को वीडियोस देखकर फिनिश कर सकते हैं। हमारे कोर्सेज 150 एग्ज़ाम्स के अवेलेबल हैं। अभी अभी हमने गेट, IES इनके कोर्सेज भी लॉन्च किए हैं। एक बार हमारी वेबसाइट जरूर विजिट करें, studyiq.com, वहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इस वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए भी आप हमारी वेबसाइट विजिट करें, studyiq.com। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, गूगल का नया प्रोजेक्ट है नवलेख। नवलेख मतलब होता है लिखने का नया तरीका। नव मतलब नया, लेख मतलब लेखनी की शैली। प्रोजेक्ट नवलेख गूगल ने शुरू क्यों किया है? मान लो मैं आपको एक PDF दूं जो तेलुगु भाषा में है, क्या आप उस PDF से जो टेक्स्ट है वो कॉपी पेस्ट कर पाओगे आसानी से? नहीं, प्रॉब्लम्स आएंगी, कॉपी पेस्ट आसानी से नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप मान लो एक तेलुगु कवि है, तो क्या आप अपनी तेलुगु में लिखी हुई कविता या कहानी उसको ऑनलाइन पब्लिश कर पाओगे? नहीं, इसमें बहुत सारे संकट आएंगे। इंग्लिश में ही हो पाता है सब काम ज़्यादातर। इसके अलावा आजकल हिंदी का भी प्रचार हो रहा है, लेकिन जो हमारी वर्नैकुलर लैंग्वेजेस हैं, मलयालम, तमिल, तेलुगु, जो ये भाषाएं हैं वर्नैकुलर लोकल इंडियन लैंग्वेजेस, उनके पब्लिशर्स को प्रॉब्लम ये आती है, एक तो टाइपिंग की प्रॉब्लम आती है, दूसरा PDF कन्वर्ट करने की प्रॉब्लम आती है, PDF से कॉपी पेस्ट करने में, डॉक फाइल एडिट करने में। इन सब चीज़ों को सुलझाएगा नवलेख। यहीं पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, भारत की सरकार ने एक अक्षरायण नाम का प्रोजेक्ट शुरू किया था, एक सॉफ्टवेयर बनाया था अक्षरायण। इसकी मदद से आप जो PDF है उसको एडिट कर सकते हो। ये भारत की सरकार ने बनाया था पिछले साल 2018 में। और गूगल ने एक प्रोजेक्ट नवलेख जो है इनका, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भी गूगल के पास जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करके गूगल भारत के लगभग 135,000 लोकल लैंग्वेज के जो पब्लिशर हैं उनको ऑनलाइन लेकर आएगा, जिससे वो वेब होस्टिंग कर सकें, यानी वेबसाइट के ऊपर लोकल लैंग्वेजेस में कविताएं, कहानियां, किस्से, आर्टिकल्स, ये सब शेयर कर सकें। ऐसा होने से वो अपनी किताबें भी आसानी से, डिजिटल किताबें जिन्हें ई बुक्स बोलते हैं, वो भी पब्लिश कर पाएंगे। तो इसका नाम रखा है प्रोजेक्ट नवलेख। अब बात करते हैं कर्नाटक के दो समुदाय, एक तो है लिंगायत और एक है वीराश्वा। लिंगायत और वीराश्वा, तो इनको रिलीजियस माइनॉरिटी स्टेटस देने का वादा किया था कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने, ठीक है, लेकिन केंद्र सरकार ने यह ठुकरा दिया। तो कर्नाटक हाईकोर्ट को केंद्र सरकार ने यह कहा है कि लिंगायत और वीराश्वा इनको एक विभिन्न धर्म का दर्जा नहीं दिया जाएगा। अभी जो लिंगायत और वीराश्वा हैं ये दोनों ही हिंदू धर्म के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये मांग कर रहे हैं काफी लंबे समय से कि हमें एक अलग धर्म, अल्पसंख्यक धर्म का दर्जा दे दिया जाए। तो कर्नाटक की सरकार, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे सिद्धरमैया कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने कहा था हाँ मैं तुम्हें एक विशिष्ट धर्म का दर्जा दे दूंगा, उन्होंने हाँ कर दी, लेकिन केंद्र सरकार ने मना कर दिया है। अब देखना होगा कोर्ट क्या फैसला लेता है। लिंगायत कौन है और वीराश्वा कौन है? तो लिंगायत एक बड़ा समूह है और उसी के अंदर, यानी ये बड़ा वाला जो समूह है ये है लिंगायत, और उसी के अंदर आते हैं वीराश्वा। क्लियर, ये दोनों ही भगवान शिव की पूजा करते हैं। यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि लिंगायत जो होते हैं और वीराश्वा, ये दोनों ही भगवान शिव की पूजा करते हैं और ये मानते हैं 12वीं शताब्दी के महान संत विचारक बसवन्ना को। बसवन्ना जो थे उन्होंने वेदों को ठुकराया, उन्होंने ये कहा कि वेद सबसे सुप्रीम नहीं है जैसा कि उस समय समझा जाता था। हिंदू धर्म के जो पारंपरिक पूजा करने के तरीके थे उनको भी ठुकराया। तो बसवन्ना के फॉलोवर हैं जिनको लिंगायत बोलते हैं और ये भगवान शिव की पूजा करते हैं। कर्नाटक में इनकी संख्या काफी ज्यादा है तो ये राजनीतिक दृष्टि से काफी महत्व रखते हैं।
और जो वीराश्व हैं ये कुछ लोग कहते हैं कि लिंगायत हैं और कुछ इन्हें अलग धर्म के लोग मानते हैं, कुछ लोग इन्हें हिंदू धर्म का ही पार्ट मानते हैं। इनकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लिंगायत से थोड़ी सी अलग होती हैं, लेकिन मोटा मोटी देखा जाए तो ये भी एक तरह के लिंगायत समुदाय के ही लोग हैं। क्लियर। जब कर्नाटक की सरकार ने यह कहा कि लिंगायत धर्म को हम एक अलग धर्म का दर्जा दे देंगे, तो वीराश्व जो बोले हमें भी चाहिए। क्लियर। और कुछ लोग ऐसे हैं जो वीराश्व को लिंगायत ही मानते हैं, तो वो बोले कि आप लिंगायत को ही दे दो, वीराश्व को मत दो। इसीलिए कर्नाटक की सरकार ने एक कमेटी बनाई जिसका नाम था नागमोहन कमेटी। और नागमोहन कमेटी का काम यह था कि आप ये डिसाइड करो कि किसको हमें माइनॉरिटी रिलीजन स्टेटस देना चाहिए। तो उन्होंने कहा आप लिंगायत को दे दो सिर्फ, क्योंकि वीराश्व जो हैं ये हिंदूज ही हैं, ये अलग धर्म के, इनकी जो कस्टम्स वगैरह हैं हिंदू से मिलते हुए, तो ये इन्हें मत दो, आप सिर्फ लिंगायत को दे दो। तो फाइनली सिर्फ लिंगायत को जो है वो विशिष्ट एक अलग माइनॉरिटी रिलीजन का जो दर्जा है वो दिया गया था। तो ये आपको याद रखना है कि अब लिंगायत एक माइनॉरिटी रिलीजन नहीं बन पाएगा, या फिर कोर्ट के फैसले पर डिपेंड करेगा। अब बात करते हैं नथुला पास की। भारत और चाइना को जोड़ता है नथुला पास, ठीक है। नथुला, शिपकिला, लिपुलेख पास, ये सब भारत और चाइना को जोड़ते हैं। नथुला पास सिक्किम में है, 44 साल तक बंद था ये पास, 2006 में खोला गया था और तब से हर साल खोल दिया जाता है इसे भारत और चीन के बीच व्यापार को देखते हुए। तो नथुला पास जो है उसे 2018 में खोल दिया गया था कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए। कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है ये हिंदू धर्म के लिए बहुत महत्व रखती है। ऐसा माना जाता है कैलाश के पहाड़ों में भगवान शिव रहते हैं और कैलाश मानसरोवर के पास से ब्रह्मपुत्र, सतलुज, इंडस ये तीन नदियां भी निकलती हैं। तो चाइना जो है, जब डोकलम विवाद हुआ हमारा, क्योंकि डोकलम भूटान का जो हिस्सा है, चाइना ने जबरदस्ती यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश की, भारत ने इनको बनाने नहीं दिया यहाँ पे कुछ। डोकलम काफ़ी लंबे समय तक रहा ये विवाद, और इसकी वजह से चाइना ने नथुला पास को बंद कर दिया था, ये सिक्किम में है, इस वजह से व्यापार भी रुक गया था और कैलाश मानसरोवर यात्रा भी रुक गई थी। कैलाश मानसरोवर यात्रा जाने के दो रास्ते हैं, एक तो है लिपुलेख दर्रा जो उत्तराखंड में है, पिथौरागढ़ जिले से होकर जाता है, और दूसरा है नथुला दर्रा। नथुला ज़्यादा अच्छा है माना जाता है क्योंकि नथुला पे गाड़ियाँ चल सकती हैं, ये मोटोरेबल रोड है, तो जो सीनियर सिटीजन हैं या जो बूढ़े लोग हैं जो चल फिर नहीं सकते बहुत ज़्यादा, इतनी कठिन ऊंचाई पे ट्रैकिंग नहीं कर सकते, उनके लिए नथुला जो है ये विशेष महत्व रखता है। और यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि भारत और चीन के बीच 5 जगह ऐसी हैं जहाँ पे BPM यानी बॉर्डर पर्सनल मीटिंग की जाती है। ये 5 जगह कौन सी हैं ये आपसे MCQ में पूछा जा सकता है। तो पहली है बुमला और किबिथू, ये दोनों हैं अरुणाचल प्रदेश में। फिर है दौलत बेगोल्डी और चुशुल, ये है लद्दाख में। और नथुला ये है सिक्किम में। मैं रिपीट करता हूँ, बुमला और किबिथू अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश का एक एरिया है तवांग जिसे चाइना क्लेम करता है, ये डिस्प्यूटेड एरिया है। इनफैक्ट पूरे अरुणाचल प्रदेश को ही चाइना साउथ तिब्बत बोलता है, तो वो क्लेम करता है अरुणाचल प्रदेश। दौलत बेगोल्डी और चुशुल ये है लद्दाख में और नथुला है सिक्किम में। अब बात करते हैं साधारण ब्रह्मो समाज की, इसके और बंगाल सरकार के बीच में विवाद क्या है। देखिए पहले आपको यह समझना होगा साधारण ब्रह्मो समाज है क्या। आपको यह तो पता होगा कि राजा राम मोहन रॉय जो थे, जिन्हें भारत में पुनर्जागरण का जनक बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न रेनेसां यानी भारत में आधुनिक पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन रॉय को बोला जाता है। इन्होंने सती प्रथा को भी खत्म करवाया था, ब्रह्मो समाज के संस्थापक थे। ब्रह्मो समाज इन्होंने इसलिए बनाया है क्योंकि हिंदू धर्म में जो कुरीतियां थी उनसे ये संतुष्ट नहीं थे, तो इन्होंने 20 अगस्त 1828 को बनाया ब्रह्मो समाज। अब प्रॉब्लम ये थी, ब्रह्मो समाज के अंदर भी कुछ लोग ऐसे थे, खासकर केशव चंद्र सेन, जो राजा राम मोहन रॉय से इनकी जो विचार थे वो अलग थे। तो केशव चंद्र सेन ने बना दिया अपना खुद का ब्रह्मो समाज जिसका नाम था ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, ये बना 1866 में। और जब ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया बना तो उसमें भी कुछ लोग ऐसे थे जो ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया से खुश नहीं थे, यानी केशव चंद्र सेन के विचारों से खुश नहीं थे, तो इन्होंने अपना खुद का एक ब्रह्मो समाज बना दिया और उसका नाम रखा साधारण ब्रह्मो समाज। यानी कि तीन तीन ब्रह्मो समाज देखने को मिले, सबसे पहले जो राजा राम मोहन रॉय ने बनाया जिसका नाम था ब्रह्मो समाज, बाद में ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया बना, और फाइनली 1878 में बना ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया से अलग होके साधारण ब्रह्मो समाज। तो साधारण ब्रह्मो समाज को बनाने में कुछ लोगों का बहुत बड़ा हाथ था, उनमें से एक थे रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी देवेंद्रनाथ टैगोर। और ये जो संस्था है साधारण ब्रह्मो समाज आज भी बंगाल में सक्रिय है, बहुत सारे स्कूल चलाती है, कॉलेज चलाती है। तो 8 कॉलेज कोलकाता में चलाती है, ये 8 कॉलेज चलाती है कोलकाता में। तो
तो पश्चिम बंगाल की सरकार ने क्या करा अभी अभी कि कोलकाता में ये जो 8 कॉलेज हैं जिन्हें साधारण ब्रह्मो समाज संस्था चलाती है, इनका जो गवर्निंग काउंसिल है, गवर्निंग उसको डिसॉल्व किया ताकि ये 8 कॉलेज अब सीधा सरकार चलाएगी, यानी सरकार के अधीन है। क्योंकि इन्होंने कहा कि साधारण ब्रह्मो समाज कोई धर्म नहीं है, तो ये कोई माइनॉरिटी कॉलेजेस नहीं है, सिर्फ माइनॉरिटी कॉलेज जो हैं उन्हें ही ये परमिशन दी जाएगी कि वो उन्हें कोई संस्था चलाए, ठीक है। और क्योंकि एक ये माइनॉरिटी रिलीजन नहीं है साधारण ब्रह्मो समाज, और बंगाल की सरकार ने मना भी कर दिया कि हम साधारण ब्रह्मो समाज को माइनॉरिटी रिलीजन का दर्जा नहीं देंगे, इसीलिए ये गवर्नमेंट एडेड कॉलेज की कैटेगरी में ही आएंगे। तो साधारण ब्रह्मो समाज के 8 कॉलेजेस में इनकी जो गवर्निंग बॉडी थी वो बंद कर दी, सरकार ने डिसॉल्व कर दी, तो इन्होंने कोर्ट में केस कर दिया। अब बात करते हैं एक और सांस्कृतिक चीज, अलाहाबाद का नाम प्रयागराज जो रखा है, इसके पीछे क्या है पूरा, तो गृह मंत्रालय ने परमिशन दे दी है और अब अलाहाबाद का नाम हो गया है प्रयागराज। देखिए, अलाहाबाद का नाम पहले प्रयाग था जो हमारे पुराने समय में, और 1574 से 1583 के बीच में क्या हुआ, जो मुगल शहनशाह थे अकबर वो यहाँ पर आए, गंगा और यमुना का मिलन संगम उन्होंने देखा, और ये लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, अलाहाबाद की जो लोकेशन है काफ़ी स्ट्रेटेजिक थी, इसीलिए इन्होंने कहा यहाँ पे एक किला बनवाया अकबर ने और उसका नाम रखा इलाहाबाद, ठीक है। अलाहाबाद जो है इसका जगह का नाम प्रयाग से चेंज करके कर दिया इलाहाबाद। यहाँ पे आपको ये बता दूँ इसका नाम इलाहाबाद क्यों रखा उन्होंने, क्योंकि अकबर ने एक धर्म भी शुरू किया था जिसका नाम था दीन ए इलाही, तो इलाही से बना इलाहाबाद, ठीक है। और बाद में अकबर के पोते यानी शाहजहां उन्होंने इसका नाम इलाहाबाद से चेंज करके कर दिया अलाहाबाद, और तब से हम इसे अलाहाबाद बुला रहे हैं। लेकिन इसका क्योंकि पुराना नाम प्रयाग था तो इसका नाम अब प्रयागराज रख दिया गया है, और ये इसके पीछे सांस्कृतिक महत्व है। अब बात करते हैं पर्यटन पर्व। पर्यटन पर्व कौन सा मंत्रालय चलाता है, पर्यटन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। इसका दूसरा चरण शुरू हो गया है। पर्यटन पर्व एक कोशिश है जिसमें हम भारत की सांस्कृतिक विरासत, हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी, ठीक है, प्लुरैलिटी हमारी भारत की, हमारे नृत्य, हमारा भोजन, संगीत, हस्तशिल्प, हैंडलूम्स वगैरह, ये सब हम शोकेस करते हैं भारत के विभिन्न समुदायों के, विभिन्न धर्मों के, विभिन्न राज्यों के, और इसे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, बहुत सारे अलग अलग मंत्रालय, राज्यों की सरकार उनके साथ मिलकर चलाता है पर्यटन पर्व। ये वर्ल्ड टूरिज्म डे जो था 27 सितंबर को मनाया जाता है, उस दिन खत्म हुआ 27 सितंबर 2018। वर्ल्ड टूरिज्म डे को वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन मनाता है जिसका मुख्यालय मैड्रिड शहर में है। अब बात करते हैं स्पिरिचुअल सर्किट की। तो आपको पता होगा हमारा जो पर्यटन मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, उन्होंने एक स्कीम चलाई हुई है जिसका नाम है स्वदेश दर्शन। स्वदेश दर्शन, स्वदेश दर्शन स्कीम में कई तरह के सर्किट बनाए जा रहे हैं, जैसे रामायण सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट, महाभारत सर्किट, वाइल्ड लाइफ सर्किट। एक सर्किट इनमें से है जो अभी अभी आध्यात्मिक सर्किट बन रहा है, ये बन रहा है केरल में। तो केरल के 3 मंदिरों को जोड़ा जा रहा है आपस में। एक तो है श्री पद्मनाभा स्वामी टेम्पल जो तिरुवनंतपुरम में है। पद्मनाभा स्वामी टेम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक बहुत फेमस विष्णु भगवान का मंदिर है और विष्णु भगवान के 108 दिव्य देशम में से एक है। इसको अरुणमुला और शबरीमाला के साथ जोड़ा जा रहा है। शबरीमाला जो है ये पथानमथिट्टा डिस्ट्रिक्ट में है केरल में। इस स्कीम में पूरा पैसा जो है वो केंद्र सरकार खर्च कर रही है स्वदेश दर्शन में। सर्किट बनाने का फायदा ये है, इससे पर्यटन को विकास मिलेगा क्योंकि बहुत सारी जगहों को जब आप आपस में जोड़ देते हैं तो उससे अगर पर्यटक एक जगह आता है तो फिर वो बाकी जगह भी विजिट करता है, तो ये फायदा होता है सर्किट बनाने का। और अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज वीडियो नंबर 3 की, जो है भौगोलिक संकेतक। क्लियर? तो भौगोलिक संकेतक जो है ये उन उत्पादों को दिया जाता है, ये नेचुरल हो सकते हैं, मैन मेड हो सकते हैं, किसी भी तरह के हो सकते हैं, एग्रीकल्चर के हो सकते हैं, उन प्रोडक्ट्स को दिया जाता है जिनमें ये पुष्टि हो जाए कि इस उत्पाद की विशेषता एक उसकी विशेष भौगोलिक विस्तार के कारण है, यानी उस प्रोडक्ट की क्वालिटी ये इसलिए है कि वो उस जगह से आता है, ठीक है। तो एक बार ये पुष्टि हो जाए तो उसे ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग मिल जाता है। क्लियर? जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, भारत में पहला प्रोडक्ट जिसे जीआई टैग मिला था वो था दार्जिलिंग की चाय। अब जैसे ही मैं बोलता हूं दार्जिलिंग की चाय, आप एक अलग नज़रिए से उसे देखते हैं, एक अलग रेस्पेक्ट से देखते हैं क्योंकि आप जानते हैं इसमें क्वालिटी है। लेकिन ये क्वालिटी इसमें क्यों है, एक विशेष टेस्ट और एरोमा यानी खुशबू इसमें क्यों है, क्योंकि ये दार्जिलिंग से आती है। क्लियर? अगर यही चाय भारत के किसी दूसरी जगह पर उगाई जाए तो उसमें वो बात नहीं होगी जो दार्जिलिंग की चाय में होगी, और ना ही आप किसी दूसरी जगह की चाय को दार्जिलिंग की चाय बोलकर बेच सकते हो, ये कानूनी अपराध है। तो जीआई टैग मिलने के क्या क्या फायदे होते हैं?
सबसे पहले इसे निर्यात को बल मिलता है क्योंकि प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग हो जाती है, वो ब्रांड बन जाते हैं, और जब भी कोई प्रोडक्ट ब्रांड बन जाता है तो उस पर एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं जिसको प्रीमियम कहा जाता है। इससे जो बनाने वाले लोग हैं, जो छोटे उद्योग हैं, उन्हें फ़ायदा मिलता है, लोकल टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है, फार्मर्स को बेनिफिट मिलता है, छोटे उद्योगों को फायदा मिलता है, और नकली प्रोडक्ट्स को रोका जा सकता है। नकली प्रोडक्ट्स को कैसे रोका जा सकता है? जैसे मान लो आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो और उस पर अगर ISI मार्क है तो आप उसकी गुणवत्ता पर फिर शक नहीं करते, क्योंकि ISI मार्क है मतलब ठीक है, ये जो प्रोडक्ट है ये ठीक है। उसी तरह से अगर किसी पे ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग का लोगो है तो फिर आप श्योर हो सकते हो कि ये ओरिजिनल है। तो ये ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग का लोगो है और इसका स्लोगन है इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, यानी अगर हिंदी में बोलूँ तो अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। और ये सितंबर 2018 में भारत की सरकार ने लॉन्च करा है, GI टैग का लोगो और स्लोगन। कई बार GI टैग जो होता है उसका क्लेम जो होता है उस पर भी विवाद हो जाता है, जैसे बंगाली रसगुल्ला। अब रसगुल्ला को दोनों क्लेम कर रहे थे, उड़ीसा और बंगाल। क्लियर, उड़ीसा कह रहा था कि भगवान जगन्नाथ पे चढ़ने वाला जो प्रसाद है ये यहाँ पे करीबन 600 साल से चल रहा है रसगुल्ला, और बंगाल वाले कह रहे थे कि नवीन चंद्र दास ने जो है रसगुल्ला शुरू करा था, लेकिन फाइनली बंगाल को अवार्ड किया गया था। तो कई बार क्लेम में भी डिस्प्यूट हो जाता है, लेकिन एक बार अगर किसी राज्य को जो GI टैग मिल जाए तो फिर वो उसी का रहता है और फिर उस राज्य को फायदा होता है क्योंकि उसकी मार्केटिंग हो जाती है, क्वालिटी हो जाती है, ब्रांडिंग हो जाती है, तो ये सब फायदे होते हैं। लेकिन ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि उस प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो उस जगह से आता है, इसीलिए है। तो सुपारी की बात करते हैं, सुपारी खाई जाती है जिसको हम अंग्रेजी में एरिका नट बोलते हैं। तो भारत की पहली सुपारी है जिसे GI टैग मिला है, भौगोलिक संकेतक मिला है, और ये है सिरसी सुपारी। सिरसी सुपारी येल्लापुर सिद्धापुर सिरसी यानी उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में पाई जाती है। दूसरा है तमिलनाडु में एरोड की हल्दी। याद रखिए, तीन हल्दी हैं जिन्हें अभी अभी भौगोलिक संकेतक मिला है। एक तो है एरोड की हल्दी, एक है उड़ीसा के कंधामल की हल्दी, और तीसरी जो है वो है महाराष्ट्र के सांगली की हल्दी। ठीक है, सांगली ची हलद यानी सांगली की हल्दी। तो एरोड, कंधामल और सांगली, एरोड की हल्दी है, उसे भौगोलिक संकेतक मिला है। ये विशिष्ट हल्दी है, इसमें 2.5 से 4.5% तक कुरकुमिन रसायन होता है। मारायूर में खाया जाने वाला गुड़, ये गुड़ किसी भी गुड़ की तरह गन्ने से ही बनता है, लेकिन इसको बनाने का तरीका बहुत अलग है। इसमें लोह की मात्रा ज़्यादा है, सोडियम की मात्रा कम है, और इसका कलर है डार्क ब्राउन। ये केरल के इदुक्की में खाया जाता है, मारायूर गुड़, और इसे मिला है भौगोलिक संकेतक। इसके अलावा तंजावुर तमिलनाडु में जो मंदिरों के लिए फेमस है, यहाँ पे तिरुभुवनम सिल्क साड़ी होती हैं, इन्हें हाथ से बुना जाता है और इन पे जरी की जाती है। जरी में अलग अलग तरह के सिंबल बनाए जाते हैं, जैसे कि फूल पत्तियाँ, टेम्पल्स, प्राकृतिक फ्रूट्स वगैरह, रुद्राक्ष। ठीक है, ये सब जो है ये बनाए जाते हैं साड़ियों के ऊपर, इसको बोलते हैं जरी डिज़ाइन। तो ये साड़ियाँ हैं तिरुभुवनम सिल्क साड़ी तंजावुर की, इन्हें भी भौगोलिक संकेतक मिला है। फिर भारत में 5 तरह की कॉफ़ी है जिसे भौगोलिक संकेतक मिला है। कॉफ़ी में जो लीडिंग प्रोड्यूसर है वो है कर्नाटक। कर्नाटक में कोडागु, चिकमंगलुरु ये विशेष हैं, और चिकमंगलुरु जो है ये जनरली बर्थ प्लेस ऑफ कॉफ़ी बोलते हैं, यानी सबसे पहले कॉफ़ी जो है शुरू हुई थी भारत में उगाई जानी चिकमंगलुरु में। तो 5 कॉफ़ी हैं भारत की जिन्हें मिला है GI टैग। सबसे पहली है कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी, कुर्ग जो कोडागु डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में पाई जाती है। दूसरी है वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी, जो वायनाड केरला में पाई जाती है। तीसरी है चिकमंगलुरु अरेबिका कॉफ़ी और बबाबू डनगिरी अरेबिका कॉफ़ी, ये सब आती है चिकमंगलुरु से। और फिर है अराकू घाटी, अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी, जो विशाखापट्टनम अराकू घाटी जहाँ पे है वहाँ पे उगाई जाती है, और उड़ीसा के कोरापुट में भी उगाई जाती है। ये मीठी कॉफ़ी होती है, इसमें गुड़ की जैसी एक मिठास पाई जाती है। तो ये 5 तरह की कॉफ़ी है जिसे मिला है ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग। इसके अलावा गांधीनगर जो है गुजरात की राजधानी, उसके पास एक जगह है पेठापुर। पेठापुर में लकड़ी के वुडन प्रिंटिंग ब्लॉक की मदद से डिज़ाइन बनाए जाते हैं कपड़ों के ऊपर, इन्हें भी भौगोलिक संकेतक मिला है। मैं आपको याद दिला दूं, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, वीडियो नंबर 2 में, कि जयपुर के पास एक जगह है जिसको बोलते हैं बागड़ू, अजमेर रोड पर। वहां पर तीतन वाला संग्रहालय का उद्घाटन करा स्मृति ईरानी ने, और तीतन वाला म्यूजियम बागड़ू के जो लोग हैं वो भी वुडन प्रिंटिंग करते हैं कपड़ों के ऊपर। क्लियर, तो तीतन वाला म्यूजियम भी वुडन प्रिंटिंग के लिए फेमस है, और पेठापुर जो है गांधीनगर गुजरात के पास, ये भी वुडन प्रिंटिंग कपड़ों के ऊपर की जाती है, उसके लिए फेमस है। फिर सांगली की हल्दी, जैसा मैंने बताया महाराष्ट्र में जितनी भी हल्दी होती है उसकी 70% सांगली में उगाई जाती है। सांगली और परभानी ये 2 डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में जो हल्दी की खेती के लिए जाने जाते हैं।
इसके अलावा महाराष्ट्र का ही अल्फोंसो आम जो कि रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पालगढ़, थाने, रायगढ़ वगैरह में खाया जाता है। याद रखिए अल्फोंसो आम को महाराष्ट्र में हापुस बोला जाता है, हापुस। बिहार के मुजफ्फरपुर की शाही लीची, मुजफ्फरपुरी नहीं बल्कि ईस्ट चंपारण, समस्तीपुर, वैशाली, बेगूसराय, लेकिन मुख्यतः मुजफ्फरपुर में शाही लीची खाई जाती है। एक बात याद रखिए, शाही लीची खाने से, मतलब जो बिहार की लीची है, ये कभी भी खाली पेट नहीं खानी चाहिए। पिछले साल बहुत लोग मर गए थे क्योंकि खाली पेट अगर आप लीची खा लेते हैं तो ग्लूकोज कम हो जाता है बॉडी में, उस वजह से डेथ हो सकती है। लीची कभी भी सुबह उठ के खाली पेट नहीं खानी चाहिए। बिहार का जरदालू आम, ये मुख्यतः भागलपुर में खाया जाता है और इसको भी भौगोलिक संकेतक मिला है। ये जो आम है ये सबसे पहली बार उगाया था महाराजा रहमत अली खान ने। इसके अलावा बिहार का कटरनी चावल, इसका चूरा भी बनता है, ठीक है, कटरनी चावल का, इसमें एक विशेष स्वाद है और विशेष खुशबू है। ये जो गंगा घाटी का इलाका है, साउथ गंगा घाटी का इलाका, मुंगेर, बांका, साउथ भागलपुर, वहाँ पे उगाया जाता है। बिहार का मगही पान, जो बिहार के मगध एरिया का पान है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, गया डिस्ट्रिक्ट, नवाड़ा, नालंदा, यहाँ पे खाया जाता है मगही पान, इसे भी भौगोलिक संकेतक मिला है। और बिहार का एक मिष्ठान है जिसको बोलते हैं सिलाव खाजा, ये नालंदा डिस्ट्रिक्ट का है। ऐसा माना जाता है भगवान बुद्ध ने भी इसको खाया था, सिलाव खाजा मिष्ठान को। कड़कनाथ मुर्गा झबुआ डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश के ट्राइबल एरिया में खाया जाता है। काले रंग का मांस होता है इसका और कोलेस्ट्रॉल कम होता है इसमें, ऐसा माना जाता है इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, दवाई का काम करता है। तो कड़कनाथ मुर्गा जो है ये छत्तीसगढ़ के बस्तर, दंतेवाड़ा इन एरियाज में भी खाया जाता है, लेकिन भौगोलिक संकेतक मिला है मध्य प्रदेश को। उड़ीसा की कंधमल हल्दी, जो टर्मरिक है, हल्दी है, वो कंधमल में ज़्यादातर ट्राइबल लोग उगाते हैं उड़ीसा में, और इसकी भी एक विशेष खुशबू और विशेष टेस्ट होता है। एक चावल है जिसको बोलते हैं जीरा फूल चावल, जीरा फूल चावल छत्तीसगढ़ के सारगुजा जो डिवीजन है वहाँ पे उगाया जाता है, तो जीरा फूल चावल याद रखिए। असम का एक चावल है जिसे भौगोलिक संकेतक मिला है, वो है बोकासोल चावल। बोकासोल चावल ऐसा चावल है जिसको गर्म करने की, पकाने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ चावल में भिगो के खाया जा सकता है। और हिमाचल की दो चीज़ें हैं जिन्हें भौगोलिक संकेतक मिला है, एक तो है हिमाचली चुल्ली ऑयल और दूसरा है काला जीरा, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ब्लैक क्यूमिन। तो ये सारे याद रखने हैं, पिछले एक साल में इन्हें मिला है भौगोलिक संकेतक। कोई भी जो इंपॉर्टेंट मेले हैं एग्जाम में काफ़ी आते हैं, मैच द फॉलोइंग में भी आ सकते हैं। तो अंबुबाची मेला जो है ये 4 दिन तक चलता है, ये जो कामाख्या मंदिर है गुवाहाटी वहाँ पर लगता है। यहाँ पे जो कामाख्या देवी हैं उनका जो मासिक धर्म है यानी मेंस्ट्रुएशन, उसको सेलिब्रेट किया जाता है यहाँ पे। अंबुबाची मेला फर्टिलिटी का प्रतीक है, क्लियर, फर्टिलिटी का प्रतीक है, जो माँ कामाख्या है, कामाख्या देवी, उनकी फर्टिलिटी का, उनके मासिक धर्म का प्रतीक है। मंदिर में, कामाख्या मंदिर में कोई भी मूर्ति नहीं है, यहाँ पे कामाख्या देवी की पूजा की जाती है, एक उनका जो गर्भ है उसकी पूजा की जाती है, वहाँ पे एक प्राकृतिक झरना भी बहता है। इसे हम महाकुंभ ऑफ द ईस्ट यानी भारत के पूर्वी राज्यों का महाकुंभ भी बोलते हैं अंबुबाची मेला को, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे करोड़ों लोग आते हैं। अब बात करते हैं मेघालय का एक बहुत इंपॉर्टेंट त्यौहार जिसका नाम है बहदियानक्लाम। बहदियानक्लाम जो है ये सबसे कलरफुल फेस्टिवल्स में से है मेघालय के, और ये जयंतिया हिल पे रहने वाले जो लोग हैं उन्होंने धूमधाम से मनाया 2018 में। ये त्यौहार दो कारणों की वजह से मनाया जाता है। एक, इसमें ये मन्नत मांगी जाती है कि कोई भी भयंकर रोग हमें ना हो, यानी कोई भी, जिसे बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव फोर्सेज ऑफ द नेचर, यानी कोई भी प्राकृतिक आपदा हम पे ना आए, चाहे कोई रोग हो या कोई बाढ़ हो या कोई अकाल हो। और दूसरा, इस बात के लिए मन्नत मांगी जाती है कि बम्पर हार्वेस्ट हो, यानी फसलों की पैदावार बहुत अच्छी हो। इन दो कारणों के लिए बहदियानक्लाम जो है ये मेघालय राज्य में मनाया जाता है, क्लियर। और मेघालय में ही एक और बहुत इंपॉर्टेंट त्यौहार है जो शिलोंग में मनाया गया, जिसका नाम है चेरी ब्लॉसम त्यौहार। चेरी ब्लॉसम जो है फेस्टिवल मेघालय का, ये इतना अलग क्यों है, इतना ये यूनिक क्यों है? ये यूनिक इसलिए है क्योंकि जो ऑटम होता है, जिसे हम बोलते हैं पतझड़ के मौसम में फूल नहीं लगते, राइट। जनरली पतझड़ में जो फूल हैं वो झड़ते हैं, लगते नहीं, लेकिन चेरी ब्लॉसम के जो पौधे हैं, जो पेड़ हैं, उनके ऊपर ऑटम सीजन में फ्लावरिंग होती है, यानी पतझड़ में फूल लगते हैं, हिमालयन चेरी ब्लॉसम जिन्हें बोलते हैं। और इसलिए बहुत विशेष है ये त्यौहार। इसे मेघालय की सरकार, वहाँ का वन विभाग, पर्यटन विभाग, वहाँ का एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट, ये सब मिलके मनाते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस के साथ मिलके। मेघालय में 3 इम्पॉर्टेंट हिल हैं, एक तो है खासी हिल,
खासी की पहाड़ियाँ, एक है गारो की पहाड़ियाँ और एक है जयंतिया की पहाड़ियाँ। अब बात करते हैं एक ऐसे त्यौहार की जो मणिपुर का एक हॉलमार्क बन गया है, ये है संगई महोत्सव। मणिपुर का जो राजकीय पशु है यानी स्टेट एनिमल वो है संगई, और इसी के नाम पे इस फेस्टिवल का नाम रखा है। संगई एक हिरण जैसा जानवर होता है, बिल्कुल हिरण के जैसा दिखता है संगई, और थोड़ा बड़ा होता है ये हिरण से। तो मणिपुर में हर साल 21 से 30 नवंबर तक मणिपुर संगई त्यौहार मनाया जाता है। 2018 में भी मनाया गया और ये 2010 में शुरू हुआ था, और ये अब इतना बड़ा हो गया है कि विदेशों से भी लोग इसमें आते हैं, पूरे भारत से लोग आते हैं, और ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहाँ पे मणिपुर अपनी संस्कृति, अपनी कला पूरी दुनिया को दिखाता है। क्लियर? आपको बता दूँ जो संगई जानवर होता है, जो संगई हिरण है, ये मणिपुर में सिर्फ एक ही जगह मिलता है और वो है किबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान, किबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको कुछ भारत के राज्य हैं जिनके कुछ इंपॉर्टेंट खेल हैं, ग्रामीण खेल जो जानवरों की मदद से खेले जाते हैं, ये सारे किसी ना किसी कारण से न्यूज़ में रहे, जैसे जलीकट्टू हो, चाहे वो मुर्गे की लड़ाई हो, तो ये सब बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे। तो ये आपको पता होना चाहिए, मैच द फॉलोइंग में पूछे जाते हैं कि कौन सा खेल जो है वो कौन से राज्य का है। सबसे पहले बात करते हैं कर्नाटक, यहाँ पे जो भैंस होती है बफेलो, उसकी रेस होती है जिसे बोलते हैं कंबल, तो कंबल रेस होती है कर्नाटक की। दूसरा है मुर्गे की लड़ाई, तो मुर्गे की लड़ाई यानी कॉक फाइटिंग, ये होती है आंध्र प्रदेश में, खास तौर पे जो आंध्र प्रदेश का जो गोदावरी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर, और ये सारे जो हैं वहाँ पर। क्लियर? उसके बाद जलीकट्टू, जलीकट्टू तमिलनाडु का खेल है, यहाँ पे एक जो बुल होता है उसको टेम किया जाता है, उसको अपने वश में किया जाता है जलीकट्टू में। फिर है बुलबुल की लड़ाई, बुलबुल की लड़ाई, बुलबुल जो होता है ये एक पक्षी होता है बहुत खूबसूरत, ये असम में पाया जाता है, तो बुलबुल की लड़ाई होती है, ये करवाई जाती है असम में, और ये वहाँ का हार्वेस्ट फेस्टिवल यानी जब फसलें पक जाती हैं, जब उनको काटने का समय आ जाता है, उसको बोलते हैं हार्वेस्ट। तो ऐसे में हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है, जैसे उत्तर भारत में जब होली आती है तो ऐसा माना जाता है कि जो गेहूं की फसल है वो पक चुकी है और उसको काटने का समय आ चुका है, तो होली भी एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है उत्तर भारत का। तो इसी तरह से बुलबुल की लड़ाई जब होती है असम में, उस वक्त वहाँ पे भोगाली बिहू चलता है। बिहू त्यौहार भी तीन तरह का होता है, तो इसमें जो भोगाली बिहू है ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है, उस वक्त बुलबुल की फाइट असम में होती है। और मणिपुर का एक खेल है जिसको बोलते हैं पोनी पोलो। जो पोलो खेल होता है वैसे तो वो घोड़ों के ऊपर बैठ के हॉकी की तरह खेला जाता है, लेकिन पोनी पोलो में पोनी जानवर के ऊपर बैठ के बिल्कुल उसी स्टाइल में खेला जाता है पोनी पोलो। इसको मणिपुर की भाषा में बोलते हैं सगोल कांगजेई। तो ये मणिपुर का खेल है। तो ये सारे खेल किसी न किसी कारण से न्यूज़ में रहे। जैसे फॉर एग्जांपल एक संस्था है जो जानवरों पे अत्याचारों के विरुद्ध काम करती है, जिसका नाम है पेटा, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। इन्होंने कोर्ट में भी केस किया था कि जो जलीकट्टू खेल है वो काफ़ी जानवरों के लिए यातनापूर्ण है, तो कोर्ट ने फिर इनकी बात को माना, लेकिन जो तमिलनाडु की सरकार है इन्होंने इसको नकार दिया। तो ये आपको याद रखने हैं रूरल स्पोर्ट्स। अब बात करते हैं बैटल ऑफ हाइफा की। भारत और इसराइल इतने अच्छे दोस्त क्यों हैं, इसका आपको पता चलेगा बैटल ऑफ हाइफा के बारे में जब आप जानेंगे, ये हमारी संस्कृति को दिखाता है। तो बेसिकली क्या है, इसराइल का एक शहर है जिसका नाम है हाइफा, और हाइफा एक बंदरगाह है यानी तट के पास है, और यहाँ से व्यापार वगैरह काफ़ी होता है। तो हाइफा पे नज़र थी ओटोमन एम्पायर की, तो ओटोमन एम्पायर जो टर्की का था, तुर्क थे, उन्होंने इसको कब्जा लिया। ठीक है, हाइफा को, शहर को कब्जा लिया, और इसको छुड़ाने के लिए जो युद्ध किया उसमें भारत के आर्मी के लोग भी थे। कौन कौन से थे, तीन रेजिमेंट थे हमारे, एक तो मैसूर का, एक हैदराबाद का और एक जोधपुर का। ठीक है, मैसूर, हैदराबाद और जोधपुर के जो लांसर थे, इन्होंने हाइफा शहर को छुड़ाने के लिए जो जंग लड़ी उसको बोलते हैं बैटल ऑफ हाइफा, और फाइनली इन्होंने हाइफा शहर को ओटोमन साम्राज्य के चंगुल से छुड़ा लिया। इसीलिए तीन मूर्ति मेमोरियल भी बनाया गया था 1922 में। ये उन इंडियन सोल्जर्स की याद में मनाया गया जो जोधपुर, हैदराबाद और मैसूर के थे, जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के वक्त इसराइल की सहायता की और हाइफा को छुड़वाया। फिर और याद रखिए, भारत की जो आर्मी है वो हर साल 23 सितंबर को हाइफा डे मनाती है, 23 सितंबर को। और यहाँ पे ये भी याद रखिए कि जो तीन मूर्ति मार्ग है दिल्ली में, अब उसका नाम पलट के हो गया है हाइफा तीन मूर्ति मार्ग, यानी इसराइल के शहर हाइफा के नाम पर रखा गया है उसका नाम। अब बात करते हैं वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर। क्लियर, वास्तुकारिता, उसको आर्किटेक्चर कहा जाता है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट वास्तुकार होते हैं। तो वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर जो है ये यूनेस्को ने पहली बार डिक्लेयर करा है।
यूनेस्को हमारे संयुक्त राष्ट्र की वो संस्था है जो विभिन्न देशों की संस्कृति, विभिन्न देशों की धरोहर, उनको बचाने के लिए कार्य करती है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को ने पहली बार है कि एक शहर को वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर डिक्लेयर करा है 2020 के लिए, और ये है ब्राजील का शहर रियो डी जनेरियो, जो ब्राजील के पूर्वी तट पर है। यहीं पर 2014 का फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप भी खेला गया था और 2016 के ओलंपिक खेल भी रियो डी जनेरियो में हुए थे। याद रखिए, ये पहली बार है कि किसी शहर को वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर, यानी एक तरह से दुनिया की जो बोलते हैं वास्तुकारिता की राजधानी डिक्लेयर किया गया है, क्लियर। और यहाँ पे यूआईए की बैठक होगी 2020 में, यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ आर्किटेक्ट, जिसे यूआईए बोलते हैं, उसकी बैठक होगी 2020 में। यूनेस्को का यह कहना है कि ये पहली बार है कि इतने बड़े लेवल पर एक पूरी दुनिया के वास्तुकार मिलेंगे और वास्तुकारिता यानी आर्किटेक्चर से संबंधित जो दुनिया के सामने चैलेंजेस हैं, संस्कृति, धरोहर, इनको बचाने के लिए जो चैलेंजेस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर है रियो डी जनेरियो। यहाँ पे मैं आपको यह भी बता दूं, यूनेस्को ने ही वर्ल्ड बुक कैपिटल भी डिक्लेयर करा है। वर्ल्ड बुक कैपिटल 2019 के लिए है शारजा और 2020 के लिए है मलेशिया की राजधानी क्वालालंपुर, ठीक है। वर्ल्ड बुक कैपिटल कौन है, कौन सी है? 2019 के लिए है शारजा, जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी संयुक्त अरब अमीरात में है, और 2020 के लिए है क्वालालंपुर। अब बात करते हैं सांस्कृतिक सद्भावना के लिए पुरस्कार देती है भारत की सरकार, जिसको बोलते हैं टैगोर सम्मान। सबसे पहले आपको बता दूं टैगोर सम्मान क्यों दिया जाता है। टैगोर सम्मान दिया जाता है भारत की सरकार द्वारा उन लोगों को जिन्होंने सांस्कृतिक जो हमारी हारमनी है, कल्चरल हारमनी, उसको प्रमोट करा, यानी सद्भावना, सांस्कृतिक सद्भावना का विकास किया। तो ये अवार्ड शुरू हुआ था 2012 में, सबसे पहली बार दिया गया था ये पंडित रविशंकर को, जो भारत के मशहूर सितार वादक थे, अब तो ये स्वर्गीय हैं। और दूसरा दिया गया था जुबिन मेहता को 2013 में। उसके बाद अब 2014, 2015 और 2016 के लिए अवार्ड डिक्लेयर कर दिया गया है। टैगोर सम्मान जो समिति देती है उसके अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, क्लियर। और ये अवार्ड ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत के नागरिकों को दिया जाता है, विदेशियों को भी दिया जा सकता है। इसमें कोई धर्म, जाति, संप्रदाय, कोई व्यक्ति विशेष ऐसा नहीं है। ये जूरी बैठती है, कमेटी बैठती है और वो डिसाइड करती है, क्लियर। ये अवार्ड शुरू क्यों किया गया था, रविंद्रनाथ टैगोर जी की 150वीं जो जयंती थी उस उपलक्ष में 2012 में ये शुरू किया गया था। तो किस किस को मिला है ये? 2014 के लिए मिला है श्री राजकुमार सिंहजीत सिंह को, ये मणिपुरी नृत्य के बहुत बड़े जनक माने जाते हैं। 2015 के लिए मिला है बांग्लादेश की एक संस्था है, सांस्कृतिक संस्था, जिसे बोलते हैं छाया नॉट। और 2016 के लिए मिला है राम वंजी सुतर, ये वास्तुकार हैं और जो दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति बनी है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, वो इन्होंने ही बनाई है, राम वंजी सुतर ने। अब बात करते हैं तानसेन सम्मान की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तानसेन सम्मान। देखिए तानसेन कौन थे, पहले ये समझ लीजिए। तानसेन एक गायक थे, ये राजा रामचंद्र सिंह के दरबारी थे। राजा रामचंद्र सिंह जो हैं ये रेवा के हिंदू राजा थे, ठीक है। बाद में तानसेन को ख्याति प्राप्त हुई क्योंकि इन्हें अकबर के दरबार में भेज दिया गया और अकबर ने इन्हें जो है वो नवरत्न की उपाधि दी, यानी नवरत्न जो थे अकबर के दरबार में, नौ रत्न, उनमें से एक थे तानसेन। और संगीत में बहुत पारंगत थे, मध्य प्रदेश के थे मतलब ये। तो मध्य प्रदेश की सरकार हर साल तानसेन संगीत महोत्सव मनाती है, ये कहाँ पे होता है, ये होता है ग्वालियर में। और हर साल तानसेन सम्मान भी उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसने हिंदुस्तानी म्यूजिक, हिंदुस्तानी संगीत को प्रचार और प्रसार में बहुत बड़ा मुकाम हासिल कराओ। तो 2018 के लिए ये मिला है मशहूर सितार वादक मंजू मेहता को। अब बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। भारत की सरकार जो है, प्रधानमंत्री मोदी, उन्होंने एक नए पुरस्कार शुरू करे हैं, आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन, अब आप जानते हैं जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जहां पे पहले बारिश नहीं होती थी वहां बारिश हो रही है, अकाल पड़ रहा है, बाढ़ आ रही है जगह जगह पे, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो रहा है, वनस्पति, वन्य संपदा खत्म हो रही है। ऐसे में आपदा प्रबंधन आने वाले 50 सालों में भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनके उभरेगा। तो आपदा प्रबंधन के लिए जो उत्कृष्ट कार्य करेगा, यानी कोई व्यक्ति, कोई संस्था, उसे दिए जाएंगे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। इनका नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम पे रखा गया है, क्लियर। अब ये 2019 के लिए किसे मिला है? 8th बटालियन ऑफ नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, यानी भारत में जो NDRF है उसकी 8वीं बटालियन गाजियाबाद, उसे मिला है इस साल के लिए ये पुरस्कार। अब बात करते हैं गांधी शांति पुरस्कार की। गांधी शांति पुरस्कार, अगेन गांधी शांति पुरस्कार कब शुरू हुआ था, सबसे पहले ये याद रखिए,
ये शुरू हुआ था 1995 में, क्योंकि 1995 में गांधी जी के जन्मदिवस के 125 साल पूरे हुए थे। गांधी जी की 125वीं जन्म उनकी एनिवर्सरी थी, जयंती थी, क्लियर। और आपको बता दूं 2019 2 अक्टूबर ये गांधी जी की 150वीं जयंती होगी, क्लियर। तो 1995 में शुरू किए गए थे गांधी शांति पुरस्कार, ये उनको दिए जाते हैं जो समाज के विकास के लिए आर्थिक विकास, सामाजिक विकास या राजनीतिक विकास करता है गांधी जी के पदचिन्हों पर चलते हुए, अहिंसा का पालन करते हुए, उस व्यक्ति या संस्था को दिए जाते हैं, ठीक है, गांधी शांति पुरस्कार। इसके लिए भी समिति बैठती है और उस समिति के हेड होते हैं प्रधानमंत्री मोदी, जो भी प्रधानमंत्री होता है वो होता है। तो किसे दिए गए हैं, तो 2015 के लिए मिला है ये विवेकानंद केंद्र को। विवेकानंद केंद्र जो है ये कन्याकुमारी में है और इन्होंने ग्रामीण विकास में काफी काम किया है। 2016 के लिए दो संस्थाओं को मिला है, एक तो अक्षय पात्र फाउंडेशन। अक्षय पात्र भारत में लाखों बच्चों को मिड डे मील प्रोवाइड करता है, और सुलभ इंटरनेशनल। सुलभ इंटरनेशनल में जो लोग मैनुअल स्कैवेंजिंग करते हैं, यानी हाथ से अपने मल ढोते हैं, उनको उन्मूलन के लिए और उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए, भारत में सैनिटेशन को इम्प्रूव करने के लिए, टॉयलेट बनवाने के लिए सुलभ शौचालय, सुलभ इंटरनेशनल ने बहुत काम किया है, तो इसके लिए इन्हें 2016 का मिला है गांधी शांति पुरस्कार। 2017 के लिए मिला है एकल अभियान ट्रस्ट को। एकल अभियान ट्रस्ट जो है, इन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में जो जनजातीय बच्चे हैं, ट्राइबल बच्चे, उनके विकास के लिए काफ़ी काम किया है। और 2018 के लिए मिला है ये योही सासाकावा को। योही सासाकावा जो हैं, ये इन्होंने जो लेप्रसी होती है, ठीक है, लेप्रसी, उसके उन्मूलन के लिए, उसको भारत से ख़त्म करने के लिए काफ़ी काम किया है, तो ये मिला है योही सासाकावा को 2018 के लिए। अब बात करते हैं संत कबीर की। संत कबीर जो है भारत के बहुत बड़े संत थे, कवि थे और सामाजिक सुधारक थे, समाज सुधारक थे। 28 जून 2018 को इनकी 500वीं डेथ एनिवर्सरी यानी पुण्यतिथि जो है वो मनाई गई। कबीर जी से प्रेरणा लेने वाले जो लोग हैं, उन्होंने कबीर पंथ नाम का समुदाय बनाया, क्लियर। तो एक रिलीजियस कम्युनिटी बनाई गई जिसका नाम था कबीर पंथ। और कबीर पंथ जी के गुरु कौन थे, कबीर जी के गुरु थे स्वामी रामानंद, क्लियर। तो ये वैष्णव संत थे स्वामी रामानंद, इन्होंने कबीर को अपने शिष्य के रूप में अपनाया। आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश की सरकार एक त्यौहार मनाती है जिसको बोलते हैं मगर त्यौहार। तो मगर त्यौहार जो है, ये संत कबीरदास जी, उनके जीवन से प्रेरणा लेने के लिए उनकी याद में ये मनाया जाता है, मगर त्यौहार। अब बात करते हैं सर छोटू राम की। प्रधानमंत्री मोदी ने एक 64 फुट लंबा मूर्ति, सर छोटू राम जो है ये किसान नेता थे बहुत बड़े, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो है आवाज उठाई, क्योंकि जो अंग्रेज है वो हरियाणा के अंदर किसानों का बहुत ज्यादा शोषण कर रहे थे। तो ये इनका जो गांव है वो था सांपला, ये हरियाणा के रोहतक डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, क्लियर। यहाँ पे 64 फुट ऊंची प्रतिमा सर छोटू राम की लगाई गई, इसका उद्घाटन करा प्रधानमंत्री मोदी ने। ये इनका जन्म 1881 में हुआ था और इन्होंने हमारी आज़ादी से पहले जो किसानों का शोषण था अंग्रेजों के द्वारा, उसको रोकने के लिए आवाज़ उठाई। इन्हें राव बहादुर की उपाधि भी दी गई थी, और आप देख सकते हैं इनके नाम के आगे सर लगाए, यानी इन्हें नाइटहुड भी मिला हुआ था। अब बात करते हैं वीर सुरेंद्र साई। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है वीर सुरेंद्र साई, क्योंकि भारत की सरकार ने ये डिसाइड करा है कि उड़ीसा में जो नया हवाई अड्डा बना है जिसका नाम है झारसुगुड़ा हवाई अड्डा, झारसुगुड़ा हवाई अड्डा का नाम पलट के अब हो जाएगा वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डा। तो वीर सुरेंद्र साई कौन थे और इतने महत्वपूर्ण क्यों थे, देखिए इनका जन्म हुआ था संबलपुर में, ठीक है, और संबलपुर के राजा के बेटे थे ये। संबलपुर के राजा थे मधुकर साई, उनके बेटे थे वीर सुरेंद्र साई। तो मधुकर साई के बाद इन्हें राजा बनना था, लेकिन अंग्रेजों ने मना कर दिया कि ये राजा नहीं बनेंगे, तो इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाई, क्लियर, और अंग्रेजों के खिलाफ ये पूरी जान से लड़े। तो ये जो इनका रेवोल्यूशन था, अंग्रेजों के खिलाफ रिवोल्ट था, ये 1827 में शुरू हुआ था। उस वक्त इनकी उम्र सिर्फ 18 साल थी, और 1862 यानी कि अगले 35 सालों तक अंग्रेजों से ये लड़ते रहे। अब बात करते हैं राजकुमार शुक्ला की। राजकुमार शुक्ल बोलते हैं वैसे इन्हें। तो भारत की जो सरकार है, उन्होंने एक डाक टिकट जारी कराए राजकुमार शुक्ल के, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम में जो इनका योगदान था उसको सराहने के लिए। राजकुमार शुक्ल कौन थे, देखिए भारत में जो अंग्रेज हैं वो किसानों को फोर्स कर रहे थे कि वो नील उगाएं, यानी इंडिगो की खेती करें, और किसानों का हर तरह से सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक और यहाँ तक कि आर्थिक हर तरह से शोषण हो रहा था। इसके खिलाफ राजकुमार शुक्ल ने आवाज़ उठाई और गांधी जी जो थे उन्हें बुलाया चंपारण में। आपको बता दूं, गांधी जी ने चंपारण में पहला सत्याग्रह किया था 1917 में, और इसमें राजकुमार शुक्ल का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि किसानों की जो हालत है
उससे गांधी जी को अवगत कराया राजकुमार शुक्ल ने। तो इनका बहुत बड़ा योगदान था। और चंपारण सत्याग्रह जब स्टार्ट हुआ तो अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ा धक्का था, ये अंग्रेज जो थे उनके लिए सेटबैक भी था, और इससे गांधी जी को पूरे भारत में ख्याति भी प्राप्त हुई थी। तो यहाँ तक कि गांधी जी जो जे बी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद जैसे बिहार के जो बड़े बड़े नेता थे, उनसे भी चंपारण के वक्त ही मिले थे। और वल्लभ भाई पटेल, महादेव देसाई, ये सब लोग भी गांधी जी की तरफ अट्रैक्ट इसलिए हुए थे क्योंकि चंपारण सत्याग्रह उन्होंने किया था। तो याद रखिए, राजकुमार शुक्ल का जो योगदान है उसे नकारा नहीं जा सकता। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन कहाँ पे हुआ, क्यों होता है, कब से होता है। एक संस्था है जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ संस्कृत स्टडी, ठीक है, IASS, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ संस्कृत स्टडी अपना एक प्रकाशन निकालती है जिसको बोलते हैं इंडोलॉजी का टोरिनेंसिया, और हर 3 साल में दुनिया में संस्कृत सम्मेलन होता है। इस बार हुआ 17वां संस्कृत सम्मेलन, और ये हुआ कनाडा के वैनकूवर में, ठीक है, कनाडा में एक शहर है वैनकूवर, यहाँ पे भारतीय भी बहुत रहते हैं वैनकूवर में। तो यहाँ पे हुआ अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन, क्यों होता है, संस्कृत भाषा के प्रचार और प्रसार के लिए होता है। सबसे पहली बार कहाँ हुआ था, सबसे पहली बार हुआ था 1972 में नई दिल्ली में, और उसके बाद से हर 3 साल में होता है, क्लियर, हर 3 साल में। और अब ये जो है 2018 में हुआ, और ये हुआ कनाडा के वैनकूवर शहर में। अब बात करते हैं दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, ये किसने बनाई थी और ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए 22 सितंबर 2018 को दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के 100 वर्ष पूरे हुए। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा हिंदी भाषा के प्रचार और प्रसार के लिए अन्नी बेसेंट ने बनाई थी। ये वही अन्नी बेसेंट है जो थियोसॉफिकल सोसाइटी वाली, क्लियर, एनी बेसेंट ने गांधी जी की मदद से बनाई थी 1918 में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा। नाम से ही पता चल रहा है दक्षिण भारत के बहुत सारे स्थान जैसे कि कोचीन, ट्रावनकोर, मैसूर, हैदराबाद, यहाँ पे हिंदी भाषा के प्रचार और प्रसार के लिए बनाई थी, क्लियर। आपको बता दूं 1964 में दक्षिण भारतीय हिंदी प्रचार सभा को इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस यानी कि राष्ट्रीय महत्व का इंस्टीट्यूट संस्थान डिक्लेयर किया गया था, क्लियर। और सबसे पहली हिंदी की क्लास किसने ली थी, गांधी जी के बेटे देवदास गांधी ने। तो इस संस्था को, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा को 100 वर्ष पूरे हो गए। अब बात करते हैं 11वें अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन की। जो लोग नहीं जानते विश्व हिंदी सचिवालय कहां पर है, लोग सोचेंगे भारत में ही होगा, नहीं, ये है मॉरिशियस में। याद रखिए विश्व हिंदी सचिवालय यानी वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटेरिएट जो है ये मॉरिशियस में है। और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन होता है हिंदी भाषा के प्रचार और प्रसार के लिए हर 3 साल में एक बार, जैसे संस्कृत सम्मेलन भी हर 3 साल में एक बार होता है, हिंदी सम्मेलन भी हर 3 साल में एक बार होता है। ये 2018 में हुआ था मॉरिशियस में, और इसका थीम क्या था, इसका विषय क्या था, इसका विषय था वैश्विक हिंदी और भारतीय संस्कृति, वैश्विक हिंदी और भारतीय संस्कृति। इसमें हिंदी भाषा के जो विद्वान हैं आपस में मिलते हैं और हिंदी भाषा को कैसे आगे ले जाना है उस पर चर्चा होती है। पहला हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था अंतर्राष्ट्रीय, ये हुआ था 1975 में नागपुर में, और इससे पिछला 3 साल में होता है, तो 2018 से पहले 2015 में हुआ था, वो हुआ था भोपाल में। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, ये कन्फ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए, एक तो होता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस, दोनों में फर्क है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है 14 सितंबर को, क्यों, क्योंकि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इन्होंने हिंदी को एक ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर अपनाया था 14 सितंबर 1949 को हमारे संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत, क्लियर। तो इसलिए 14 सितंबर का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और इसे राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस बिल्कुल अलग है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 10 जनवरी 1975 को पहली जो है वो हिंदी कॉन्फ्रेंस हुई थी और इसकी अध्यक्षता की थी इंदिरा गांधी ने। तो उस उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को, और राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। अब बात करते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी की। देखो नालंदा यूनिवर्सिटी जो है एक समय आप जानते हैं कि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी, पूरी दुनिया से लोग पढ़ने आते थे, ये महाविहार था, बुद्धिस्ट यहाँ मोनेस्ट्री थी, क्लियर। 5वीं शताब्दी में ये बनके लगभग तैयार हो गई थी और 1200 AD तक इसने जो है वो लोगों को पूरी दुनिया के ज्ञान दिया, क्लियर। मगध के राजा जो थे वो मगध का जो किंगडम था वहाँ पे थी, और नालंदा यूनिवर्सिटी जो है इसको तबाह कर दिया था 1193 में बख्तियार खिलजी ने इसको तोड़ डाला था। कई अटेम्प्ट हुए थे इसको तोड़ने के लिए, सबसे कॉमन, सबसे जो नोटेबल है वो है बख्तियार खिलजी। और नालंदा के जो रिवन्स हैं यानी नालंदा के अवशेष, उनको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया हुआ है। अब नालंदा यूनिवर्सिटी जब बनी तो 2010 में जो है ये बिल पास हुआ था,
नालंदा यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए, और ये यूनिवर्सिटी फाइनली जो है इसको बनाने के लिए एग्रीमेंट हो गया था। अब इसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं ये लोग, क्लियर। तो उसके लिए नालंदा यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2013 ये लेकर आया गया है। ये बिल क्या कहता है? ये बिल ये कहता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी का पूरा खर्चा जो है वो भारत की सरकार करेगी, पहला। दूसरी बात ये कि नालंदा यूनिवर्सिटी अगर चाहे तो अंतर्राष्ट्रीय पार्टनरशिप कर सकती है, विदेशों से भी फैकल्टी हायर कर सकती है, क्लियर। ये ताकत भी सरकार को दी गई है। और नालंदा यूनिवर्सिटी का जो गवर्निंग बोर्ड है उसमें भी कुछ बदलाव किए गए हैं, जैसे कि अब वहाँ पे 2 पर्सन ऑफ एमिनेंस होंगे और 2 मेंबर होंगे एकेडमिक फैकल्टी ऑफ द यूनिवर्सिटी, क्लियर। यानी कि जो गवर्निंग बोर्ड है उसमें 2 तो होंगे पर्सन ऑफ एमिनेंस, यानी बहुत ही उत्कृष्ट व्यक्ति अपने अपने फील्ड में जिनको बहुत महारत है, और 2 मेंबर वहाँ के फैकल्टी से होंगे, क्लियर। तो ये गवर्निंग बोर्ड जो है वो भी थोड़ा बदलाव उसमें किया गया है। इसके अलावा इस बिल के तहत नालंदा यूनिवर्सिटी में डीन भी अपॉइंट किया जा सकता है और प्रोवोस्ट भी। प्रोवोस्ट बोलते हैं एक तरह से प्रो वाइस चांसलर को, तो वो भी अपॉइंट किया जा सकता है। अब बात करते हैं बादशाही अशूर खाना की। ये न्यूज में क्यों आया? क्योंकि तेलंगाना की सरकार और आगा खान ट्रस्ट, इन्होंने डिसाइड करा है कि ये बादशाही अशूर खाना जो 17वीं शताब्दी का है इसकी मरम्मत करवाएंगे। 400 साल पुराना है, याद रखिए, इसको बनवाया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। और यहाँ पे मॉर्निंग का प्लेस है ये। मॉर्निंग मतलब होता है शोक मनाने का। आप जानते हैं जो इस्लाम धर्म के लोग हैं, मुहर्रम का जो महीना होता है उसमें इमाम हुसैन जी की शहादत, उसके लिए ये शोक मनाया जाता है। तो ये वही जगह थी जहाँ पे मुस्लिम समुदाय जो है, मुस्लिम धर्म उसके लोग मिलते हैं और शोक मनाते हैं इमाम हुसैन जी की शहादत का मुहर्रम के महीने में। तो ये काम होता था बादशाही अशूर खाना में, क्लियर। लेकिन जब औरंगजेब आया तो उसने इसको एक बंदी खाना बना दिया और 80 साल तक यहाँ पे घोड़े पाले गए, क्लियर। लेकिन उसके बाद दोबारा इसको मीर नवाजिश अली खान ने एक इबादत खाना बना दिया बादशाही अशूर खाना को। तो काफ़ी सांस्कृतिक महत्व रखता है तेलंगाना में ये, और इसका अब मरम्मत की जाएगी इसकी 400 साल पुराने बादशाही अशूर खाना की। अब बात करते हैं खिड़की मस्जिद की। खिड़की मस्जिद को खिड़की मस्जिद क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें विंडो यानी कई तरह की खिड़कियाँ हैं, विंडोज़ हैं, और ये दिल्ली के अंदर है, ठीक है। दिल्ली में एक गाँव पड़ता है खिड़की, वहाँ पर है ये। इसको बनवाया था खान जहान जुनान शाह ने। और ये कौन थे? ये फिरोज शाह तुगलक के मंत्री थे, मुख्यमंत्री। ये जो प्राइम मिनिस्टर यानी कोर्ट में सबसे जो उत्कृष्ट, सबसे ऊंचे जो मंत्री होता था उसको बोलते थे प्राइम मिनिस्टर या मुख्यमंत्री, तो वो थे फिरोज शाह तुगलक के दरबार में। इन्होंने 7 मस्जिदें बनवाई थी, उनमें से एक थी खिड़की मस्जिद। तो खिड़की मस्जिद न्यूज़ में क्यों आई? क्योंकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पे 254 तांबे के बने हुए सिक्के खोजे अभी अभी। अब बात करते हैं भगवान बुद्ध की प्रतिमा। भगवान बुद्ध की 70 फुट की प्रतिमा का अनावरण करा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। ये जो मूर्ति है ये राजगीर में बनाई गई है, नालंदा जिले में, क्लियर। ये भगवान बुद्ध की दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति हो जाएगी इसके बाद भारत के अंदर। और ये वहाँ पे एक झील है जिसको बोलते हैं घोरा कटोरा, उस झील के बीचों बीच ये बनाई गई है। नेक्स्ट है चौमहल्ला पैलेस। चौमहल्ला पैलेस न्यूज में क्यों आया? क्योंकि इसका जो जीर्णोद्धार का कार्य था यानी इसके आधुनिकरण और नवीनीकरण का कार्य, वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने पूरा कर दिया है। इसको इसकी पुरानी जो गरिमा थी उस तक ले जाया गया है, क्लियर। ये टूट फूट गया था, इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने दोबारा नया बना दिया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अधीन काम करता है, यानी भारतीय संस्कृति मंत्रालय के अधीन काम करता है। और चौमहल्ला पैलेस बनवाया किसने था? ये बनवाया था निज़ाम सलाबत जंग ने, क्लियर। जो हैदराबाद में निज़ाम होते थे उनका बहुत खास पैलेस होता था ये, और असाफ जाही वंश उसकी सीट होती थी, यानी उसका राजा यहां बैठता था। नेक्स्ट है एलम वैली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो भारत और पाकिस्तान के बीच सांस्कृतिक संबंध जो है वो अच्छे नजर होते आ रहे हैं। पाकिस्तान ने कहा है वो करतारपुर कॉरिडोर बनवाएगा, पाकिस्तान ने कहा है वो शारदा पीठ कॉरिडोर बनवाएगा, पाकिस्तान ने जो खैबर पख्तूनवा में पेशावर में जो पंज तीर्थ है उसे अपना नेशनल हेरिटेज डिक्लेयर कर दिया है। और इतना ही नहीं, अब खैबर पख्तूनवा में जो एलम घाटी है वहाँ पे बहुत सारे ऐसे इमारतें हैं जो हिंदू और बुद्ध धर्म के लिए विशेष महत्व रखती हैं, तो पाकिस्तान वहाँ पे एक हेरिटेज पार्क का निर्माण करवा रहा है। हेरिटेज पार्क बन रहा है एलम घाटी में। एलम घाटी कहाँ है? एलम घाटी जो है खैबर पख्तूनवा में है, स्वात और बुनेर नाम के जिले हैं उनके बीच पड़ती है, और ये हिंदू और बुद्ध धर्म के लोगों के लिए विशेष महत्व रखती है। क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि भगवान राम जब 14 साल के वनवास में थे उसमें से भगवान राम ने कुछ समय एलम घाटी में बिताया और वहाँ पे तपस्या की। और बुद्ध धर्म के लोग ये मानते हैं कि महात्मा बुद्ध के पूर्ण जन्म यानी उनका जो अवतार था पिछले जन्मों में, उन्होंने अपना जो प्राण त्यागे थे वो इस जगह पे त्यागे थे। तो दोनों ही धर्मों के लिए विशेष महत्व रखती है एलम घाटी।
स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस जो है इसका ये तीसरा चरण चल रहा है, थर्ड फेज। हर फेज में भारत की सरकार 10 इमारतें, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, आइकॉनिक प्लेसेस, जो हमारे इतिहास में या हमारी संस्कृति में, हमारी धरोहर में बहुत ज़्यादा महत्व रखती हैं, ऐसी 10 इमारतें सरकार जो है वो डिक्लेयर करती है, स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस। और ये कौन से मंत्रालय ने शुरू किया है? स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, यानी पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के अधीन आता है ये, और स्वच्छ भारत मिशन के तहत इसे चलाया जा रहा है। ये जब प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, तो उनका विजन ये था कि जो भी ये आइकॉनिक प्लेसेस हैं उनको स्वच्छ रखा जाए। इससे कई फायदे होंगे, जैसे एक तो स्वच्छ रहेंगी तो पर्यटन बढ़ेगा, और पर्यटन के बढ़ने से वहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स दोनों क्रिएट होते हैं, लोगों की इनकम बढ़ती है, जो वहाँ पे आसपास काम करते हैं उनकी इनकम बढ़ती है, और जब विदेशी आएंगे तो उनका सेटिस्फेक्शन लेवल भी ज़्यादा रहेगा। अभी इसका तीसरा चरण चल रहा है और हर चरण में 10 इमारतें जो हैं वो सरकार डिक्लेयर करती है स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस। आपको बता दूं कि स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस चाहे वो शुरू किया हो मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन ने, लेकिन इसमें 3 भारत के मंत्रालय और हैं जो साथ मिलकर काम कर रहे हैं। एक तो है शहरी विकासकरण का, अब इसको वैसे बोलते हैं हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, MOHUA, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, यानी कि आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, सांस्कृतिक मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, और पर्यटन मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। तो ये सब साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसके अलावा इसमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट कंपनी, यानी सरकारी और प्राइवेट दोनों कंपनियों का सहयोग लिया जाता है। तो इस बार की जो 10 प्लेसेस हैं वो कौन कौन सी हैं, और याद रखिए जो ये स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस है, ये इस बार जो तीसरा चरण है ये शुरू किया गया था, गांव का नाम है माना विलेज, बद्रीनाथ मंदिर के पास है ये उत्तराखंड में, ठीक है, बद्रीनाथ मंदिर के पास है उत्तराखंड में, वहां पे ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, थर्ड फेज ऑफ स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस। सबसे पहला है राघवेंद्र स्वामी टेम्पल, ये है कुरनूल आंध्र प्रदेश में, और आपको बता दूं कुरनूल में अभी अभी आंध्र प्रदेश में एक नया एयरपोर्ट भी बना है। कुरनूल को कन्नूर से कन्फ्यूज मत करना, क्योंकि कन्नूर है केरला में, और केरला में भी कन्नूर में ही एक नया एयरपोर्ट बना है अभी अभी, जो केरला का चौथा एयरपोर्ट है, ये नॉर्थ केरला को कनेक्टिविटी देगा। दूसरा है हजारद्वारी पैलेस, ये है मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल में, हजारद्वारी पैलेस। ब्रह्म सरोवर मंदिर है कुरुक्षेत्र हरियाणा में, कुरुक्षेत्र जहाँ पे महाभारत का युद्ध हुआ था। विदुर कुटी, ये है बिजनौर यूपी में। माना विलेज चमोली उत्तराखंड, जहाँ पे इनफैक्ट ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। पेंगोंग लेक, पेंगोंग सो लेक है लेह लद्दाख में, जम्मू कश्मीर। नागवासुकी मंदिर अलाहाबाद। ईमा कीथल, ये है इम्फाल मणिपुर में। शबरीमाला मंदिर पथानमथिट्टा डिस्ट्रिक्ट केरला। और कानवनश्रम जो कोट द्वार उत्तराखंड में है। तो ये हैं इस बार के 10 स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस। और सरकार क्या करती है कि हर बार एक को सिलेक्ट करती है बेस्ट, यानी सबसे साफ। तो आपको याद होगा कि मीनाक्षी जो मंदिर है मदुरई में, मीनाक्षी मंदिर मदुरई में, उसको मिला था बेस्ट स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस का अवार्ड। बेस्ट स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस का जो अवार्ड है वो मिला था मीनाक्षी मंदिर को। और मीनाक्षी मंदिर से पिछले साल, ठीक है, ये अवार्ड मिला था रानी की वाव को, रानी की वाव जो कि पाटन डिस्ट्रिक्ट में है गुजरात के, रानी की वाव। अब बात करते हैं स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी की। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तो सबको पता है, जो गुजरात में बना है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, जो मूर्ति है 182 मीटर ऊंची, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तो सबको पता है, लेकिन स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी क्या है? ये रामानुज भगवान का जो मूर्ति है, स्टैच्यू है, वो बन रहा हैदराबाद में, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है बनके, लेकिन जब बनेगा तो ऐसा दिखेगा। ये है 216 फुट का, याद रखिए मीटर नहीं है ये फुट है, क्लियर। और अगर मैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात करूं सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जो गुजरात के नर्मदा जिले में है, वो 182 मीटर है, आप इसको 600 फुट भी बोल सकते हैं, 600 फुट। तो 216 फुट का है रामानुज का स्टैचू, जो हैदराबाद में बनेगा। और आपको बता दूं जब ये बनके पूरा होगा तो ये दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा स्टैचू होगा एक सीटेड फिगर का। सीटेड फिगर मतलब जिसमें
जिस व्यक्ति का बनाया गया है वो बैठी मुद्रा में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रामानुज है वो बैठे हुए हैं। अगर आप इसको कंपेयर करें सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैचू से, तो उसमें वल्लभ भाई पटेल जी जो हैं भारत के पहले गृह मंत्री, वो उसमें खड़ी हुई पोजिशन में है। ही इज इन अ स्टैंडिंग पोजिशन, नॉट इन अ सीटेड पोजिशन। तो जब ये बन जाएगा तो ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वो स्टैचू होगा जिसमें सीटेड पोजिशन में, क्लियर। अभी अगर हम बात करें तो जो थाईलैंड का ग्रेट बुद्धा स्टैचू है, ये सीटिंग पोजिशन में सबसे बड़ा है। इसकी ऊंचाई है 302 फुट। थाईलैंड में भगवान बुद्ध का स्टैचू सिटिंग पोजिशन में सबसे ऊंचा है। और दूसरा सबसे ऊंचा जो है वो है चाइना में गुआनयन फिगर माउंट ज़िएगज़ाओ, जो चाइना के गुआंगडोंग रीजन में है। ये 203 फीट का है। अब क्योंकि ये 216 का है तो चाइना वाले को पीछे छोड़ देगा ये, हालांकि थाईलैंड वाले को पीछे नहीं छोड़ पाएगा। तो इसको बनने के बाद थाईलैंड में भगवान बुद्ध का स्टैचू होगा नंबर वन सिटिंग पोजिशन में, और दूसरा हो जाएगा रामानुज का स्टैचू। अब रामानुज थे कौन? रामानुज एक हिंदू थियोलॉजियन थे। थियोलॉजियन मतलब जो धर्मों को पढ़ता है, जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को पढ़ता है, जो स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट रखता है, उनके टेक्स्ट पढ़ता है, जो वेद उपनिषद पढ़ता है, उनको बोलते हैं थियोलॉजियन। ये हिंदू थियोलॉजियन थे, फिलोसोफर थे, ठीक है, ये फिलोसोफर थे, एक दार्शनिक थे। इनकी जो फिलोसॉफी है उसकी आधारशिला डिवोशनलिज्म पे बेस्ड थी, और ये भक्ति मूवमेंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल इसने प्ले किया। ये विशिष्ट अद्वैत सब स्कूल ऑफ वेदांता, यानी वेदांता की जो विशिष्ट अद्वैत फिलोसॉफी है उसके चीफ प्रोपोनेंट थे, यानी इन्होंने विशिष्ट अद्वैत फिलोसॉफी जो है उसका प्रचार किया। अब बात करते हैं सांची स्तूप और फो मिन पगोड़ा। आप जानते हैं चाहे वो कोई स्तूप हो या पगोड़ा हो, ये सब बुद्ध धर्म के प्रतीक हैं, ठीक है, ये बुद्ध धर्म के प्रतीक होते हैं। तो सांची का जो स्तूप है ये मध्य प्रदेश में है और ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। ये न्यूज़ में इसलिए आया दो कारणों की वजह से। एक तो भारत की सरकार यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नया 200 रुपये का नोट निकाला है, उसके पीछे सांची स्तूप का फोटो छपा है। जो नया 200 रुपये का नोट है उसके पीछे सांची स्तूप का फोटो है। और दूसरा इसलिए कि वियतनाम की सरकार और भारत की सरकार ने मिलकर डाक टिकट जारी करे जिसमें वियतनाम का फो मिन पगोड़ा और भारत की तरफ से सांची स्तूप है। तो दोनों हैं, तो दोनों ने मिलकर डाक टिकट जारी करे। तो सांची स्तूप किसने बनवाया था? जो राजा अशोक थे, मौर्य वंश के राजा अशोक, इन्होंने बनवाया था ये 3री शताब्दी में। और इनका जो विवाह हुआ था अशोका का, इनकी वाइफ का नाम था देवी, तो अशोका का जो विवाह हुआ था देवी से वो भी सांची में ही हुआ था। ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है मध्य प्रदेश में, और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये भी याद रखिए, ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। मध्य प्रदेश में 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। एक तो है भीमबेटका की गुफाएं, दूसरा खजुराहो और तीसरा सांची स्तूप। ये 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है मध्य प्रदेश में। और सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट भारत में है महाराष्ट्र में, जो कि 5 है। तो 5वीं जो थी वो थी विक्टोरियन आर्ट डेको आर्किटेक्चर एंसेंबल। अब बात करते हैं, अभी अभी एक खुदाई हुई है तेलंगाना के फनीगिरी में। ये जो फनीगिरी है ये सूर्यापेट डिस्ट्रिक्ट है। तो सूर्यापेट डिस्ट्रिक्ट को नारायणपेट के साथ कंफ्यूज मत करना। एक्चुअली क्या है, तेलंगाना में 31 डिस्ट्रिक्ट्स थे, अब 2 नए डिस्ट्रिक्ट बने हैं एक महीने पहले। ये 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, एक तो है मुलुगु और दूसरा है नारायणपेट। मैं रिपीट कर देता हूँ, एक तो है मुलुगु और एक है नारायणपेट, ये 2 नए डिस्ट्रिक्ट बने हैं तेलंगाना में। तो सूर्यापेट अलग है बिल्कुल। सूर्यापेट के फनीगिरी में खुदाई हुई और वहाँ पे भारत का सबसे बड़ा स्टक्को फिगरिन मिला है। स्टक्को क्या होता है? स्टक्को एक तरह का प्लास्टर होता है। ये पूरा का पूरा जो फिगर मिला है, ये जो एक तरह की मूर्ति मिली है, ये प्लास्टर से बनी है। और ये एक पूरी की पूरी ऐसा लगता है कि कोई बॉडी है, ठीक है। ये लाइफ साइज्ड स्टक्को स्कल्प्टर है जो कि एक बुद्ध धर्म की साइट से मिला है फनीगिरी सूर्यापेट में। अभी तक का ये सबसे बड़ा है और ऐसा माना जाता है कि ये बोधिसत्व को रिप्रेजेंट करता है जातक चक्र में, ठीक है। आपने बुद्ध धर्म की जातक कथाएं पढ़ी होंगी, आपको बोधिसत्व का मतलब पता है? देखिए, अगर कोई व्यक्ति भगवान बुद्ध के दिखाई राह पे चलता है तो उसे बोलते हैं बोधिचिता। मतलब होता है कि मैं भगवान बुद्ध के द्वारा दिखाए गए जो राह है उस पे चलता हूं, उनका अनुसरण करता हूं और मैं बनना चाहता हूं बोधिसत्व।
तो जब व्यक्ति भगवान बुद्ध जैसा बन जाता है, यानी कि परम ज्ञानी बन जाता है, जब उन्हें एक यूनिवर्सल ज्ञान मिल जाता है, जिसे बोलते हैं ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाता है, तब उस व्यक्ति को बोलते हैं बोधिसत्व। तो जो भी व्यक्ति बुद्ध धर्म के पाथ पे चलता है, यानी जो भी बोधिचीता है, बोधिचीता जितने भी हैं, उन सबका पर्पज यह है लाइफ का कि वो बोधिसत्व बन जाए, तभी वो संसार से बाहर निकल सकते हैं, यानी मोह और माया जो है, जिसे संसार कहा गया है बुद्ध धर्म में, उससे बाहर निकल सकते हैं। तो ये जो मिला है, ये स्कल्प्टर जो मिला है, ऐसा माना जाता है कि ये बोधिसत्व को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर। इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें हैं बुद्ध धर्म की जो मिली हैं, जैसे कि महास्तूप है जो खुदाई हुई, एक्सकवेशन हुई यहाँ पे, या चैत्य ग्रह, कॉन्ग्रीगेशन हॉल जिनमें खंभे भी लगे हुए हैं। कॉन्ग्रीगेशन हॉल मतलब जहाँ पे लोग मिलते हैं, बैठने का स्थान, जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं, जहाँ पे खंभे लगे हैं, विहार, कई सारे प्लेटफॉर्म जिनमें सीढ़ियाँ भी लगी हैं, ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन यानी कि जो लिखावट है, ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन, जो कि ऐसा माना जाता है जब सातवाहन वंश का राज था उस समय की है। तो सातवाहन वंश जब स्टार्ट हुआ था तो तब से लेके, और जब इक्षुवाक पीरियड था तब तक, तो तब तक की जो इंस्क्रिप्शन है वो पाए गए हैं इस जगह। इसका नाम है फानीगिरी और ये है सूर्यपेट तेलंगाना में। अब बात करते हैं आईआईटी मद्रास की। आईआईटी मद्रास की टीम ने एक ओसीआर सिस्टम बनाया है 9 इंडियन लैंग्वेजेस के लिए, ठीक है। और ये 9 इंडियन लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं? एक तो है देवनागरी, ठीक है, जो स्क्रिप्ट इन्होंने इंटीग्रेट करी है वो है देवनागरी, बंगाली, गुरुमुखी, गुजराती, उड़िया, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और तमिल। और ये 9 जो भारतीय भाषाओं के लिए स्क्रिप्ट तैयार की गई है ओसीआर के द्वारा, इसको इन्होंने नाम दिया है भारतीय स्क्रिप्ट। ये भारतीय स्क्रिप्ट जो है ये जोड़ता है 9 भारत की भाषाओं को। तो आईआईटी मद्रास ने डेवलप करा है इनके लिए एक ही स्क्रिप्ट जो ये 9 इंडियन लैंग्वेजेस पे काम करेगी, यानी 9 लिपियों को मिला के एक लिपि तैयार करी है और उसको नाम दिया है भारतीय स्क्रिप्ट। जो 9 लिपियां मिलाई हैं उनके नाम यहां लिखे हैं। और OCR यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन तकनीक का इस्तेमाल करके इन्होंने एक रीडेबल डॉक्यूमेंट और ये सब तैयार किए हैं। तो इसमें इनकी मदद करी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस मुंबई ने, TCS मुंबई ने। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि जो लोग सुन नहीं सकते, यानी जो हियरिंग इम्पेयर्ड हैं, उनको हम साइन लैंग्वेज के थ्रू हम इनको पढ़ा पाएंगे, इन तक संदेश पहुँचा पाएंगे। तो इसके लिए ये तैयार किया गया है IIT मद्रास द्वारा। IIT मद्रास इसीलिए भी न्यूज़ में था क्योंकि जो NIRF की रैंकिंग आई है, यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क जो मिनिस्ट्री ऑफ HRD देता है, उसमें IIT मद्रास भारत का बेस्ट IIT डिक्लेयर किया गया है। और IIT मद्रास ने भारत का पहला माइक्रोचिप बनाया है, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर, जिसका नाम रखा है शक्ति। और IIT मुंबई ने भी एक माइक्रो प्रोसेसर बनाया है अभी, उसका नाम रखा है अजीत, ठीक है। तो IIT मद्रास ने जो बनाया है उसका नाम है शक्ति, और IIT मुंबई ने जो बनाया है उसका नाम है अजीत। भारत के अलग अलग जगह पे जो न्यू ईयर होता है, नव वर्ष, वो अलग अलग तरह से मनाया जाता है। भारत एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है, डाइवर्स कंट्री है, बहुत सारे धर्म, बहुत सारे समुदाय यहाँ पे रहते हैं। तो जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे केरल, अब केरला में अप्रैल में जो नया साल होता है हम उसे बोलते हैं विशु। तो इस तरह से ये अलग अलग नाम है भारत के, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह से मनाए जाते हैं। ये आपको याद करने हैं, मैच द फॉलोइंग में पूछ सकते हैं प्रीलिम्स में। जैसे उगाड़ी, उगाड़ी है कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र। गुड़ी पड़वा ये है महाराष्ट्र। पुथांदु तमिलनाडु। बैसाखी पंजाब। पोहेला बोईसाख वेस्ट बंगाल। बोहाग बिहू, बिहू भी 3 तरह का होता है, तो बोहाग बिहू असम। बेस्तु वरस गुजरात। लूसोंग सिक्किम। नवरेह जम्मू कश्मीर। छेती, ये सिंधी न्यू ईयर को बोलते हैं छेती। और विशु बोलते हैं केरला में। तो केरला में जो केरला का न्यू ईयर होता है उसे विशु कहा जाता है। तो ये सारे नाम हैं अलग अलग जगह पे उनके जो स्पेसिफिक न्यू ईयर हैं, उनके अलग अलग ट्रेडिशन जुड़े हुए हैं इनके साथ, तो ये याद रख लीजिए। अब बात करते हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की। इसको लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी भी चल रही है। तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो है, बेसिकली क्या है कि काशी विश्वनाथ मंदिर, ये जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक है, ठीक है, भगवान शिव का मंदिर है ये, और बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है ये। हर धर्म के लोग यहाँ पे आते हैं, बल्कि ऐसा नहीं सिर्फ हिंदू ही आते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर जो है वाराणसी में है और ये गंगा नदी के किनारे है। तो जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से ये एक है। अब सरकार ये कोशिश कर रही है, क्योंकि काशी विश्वनाथ मंदिर जो है
मान लीजिए ये मंदिर है, तो इसके आसपास जो जगह है बहुत पतली पतली गलियां हैं, ठीक है, तो उससे टूरिज्म का विकास नहीं हो सकता, वहां पे गाड़ियां आसानी से नहीं पहुंच सकती, जो आपस में इंटरकनेक्टिविटी नहीं है। जैसे अगर किसी को मणिकर्णिका का घाट या ललिता घाट से जाना हो तो वो जाना बहुत मुश्किल है, छोटी छोटी गलियां हैं बहुत और उनमें से निकलना बहुत मुश्किल है। इनमें से बहुत सारे घर हैं जो जिसे बोलते हैं इल्लीगल ज़मीन पे बने हैं, कुछ ऐसे हैं जो टूटे फूटे हैं, तो इन सब चीज़ों से एक बड़े लेवल पे हम उसको विकसित नहीं कर सकते। सो यहाँ पर जो काशी विश्वनाथ टेम्पल है उसको डायरेक्टली जोड़ा जाएगा, एक 50 फुट का कॉरिडोर बन रहा है, गलियारा बन रहा है, जो मणिकर्णिका घाट और ललित घाट इनको सीधा जोड़ेगा काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर से सीधा, जिससे एक उसको एक प्रॉपर टूरिज्म प्लेस की तरह हम उसको बढ़ावा मिल सके, ठीक है, तो ये याद रखिए। और काशी विश्वनाथ जो मंदिर है इसका अपना बहुत बड़ा इतिहास है, इस मंदिर का एक मेकओवर करवाया था 1780 में मराठा क्वीन अहिल्याबाई होलकर ने, ये इंदौर की रानी थी और अहिल्याबाई होलकर इंदौर की थी, इन्होंने इसका जो है वो पूरा जीर्णोद्धार कराया था मंदिर का। तो उसके बाद इतने बड़े लेवल पे इस मंदिर का जो एक रेनोवेशन है अब हो रहा है, क्योंकि ये कॉरिडोर बन रहा है इसीलिए। इसके अलावा यहाँ पे म्यूज़ियम भी बनेगा और बहुत सारे ऐसी भी चीज़ें होंगी जो वहाँ की संस्कृति, वाराणसी का एंशियंट हिस्ट्री, वहाँ का कल्चर दिखाती हैं, ये सब भी इस म्यूज़ियम में दिखाया जाएगा। तो ये है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। अब बात करते हैं एक नया म्यूज़ियम जो बना है लाल किले में। देखिए लाल किले में अभी अभी 5 म्यूज़ियम बने हैं, तो 5वां म्यूज़ियम जो बना है वो है आज़ादी के दीवाने, आज़ादी के दीवाने। और आज़ादी के दीवाने जो है इसका उद्घाटन किया हमारे मंत्री जो हैं संस्कृति के मंत्री, मिनिस्टर ऑफ कल्चर डॉक्टर महेश शर्मा ने, तो इन्होंने आज़ादी के दीवाने जो है इसका इनॉग्रेशन किया। ये बेसिकली जो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो हमारी देश की स्वतंत्रता में जिन्होंने हिस्सा लिया उनको डेडिकेटेड है, लाल किले में बना है, ये भी याद रखिए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे बनाया है। ये म्यूजियम क्रांति मंदिर सीरीज में 5वां है। क्रांति मंदिर क्या है? क्रांति मंदिर भारत जो है अपने जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, फ्रीडम फाइटर हैं, उन्हें जो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है उसकी एक कड़ी है, जिसको नाम दिया गया है क्रांति मंदिर। तो इसमें कई सारे म्यूजियम बन चुके हैं ऑलरेडी, जैसे फॉर एग्जाम्पल नेताजी सुभाष चंद्र बोस म्यूजियम, ये खुद प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया था इसका 26 जनवरी के दिन। यादें जलियां म्यूजियम, जिसमें जलियांवाला बाग के बारे में सब दिखाया गया है। फिर है 1857 की जंग पे म्यूजियम, जो भारत की पाइका विद्रोह के बाद दूसरी स्वतंत्रता जंग थी। और दृश्य कला जो है ये भारतीय कला के ऊपर एक म्यूजियम है, दृश्य कला। तो 4 ये इनका उद्घाटन ऑलरेडी हो चुका है और 5वां बना है आजादी के दीवाने। कुंभ मेला की बात करते हैं प्रयागराज में, अलाहाबाद, जिसका अब नया नाम प्रयागराज है, यहाँ पे कुंभ मेला लगा और इसमें 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बने, ठीक है। तो कुंभ मेला जो जब यहाँ लगता है प्रयागराज में, तो ये लगता है जहाँ 3 नदियाँ मिलती हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। सरस्वती जो है वो एक पौराणिक कहानियों में इसका जिक्र है, ऑन ग्राउंड ये रिवर नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये है, बस नज़र नहीं आती। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस किस 3 चीज़ों के लिए बनाए? सबसे पहला लार्जेस्ट ट्रैफिक एंड क्राउड मैनेजमेंट, यानी कि भीड़ प्रबंधन और ट्रैफिक कंट्रोल के लिए, ठीक है, क्योंकि करोड़ों लोग आते हैं कुंभ मेले में। दूसरा, यहाँ पे सबसे बड़ी पेंटिंग एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट की गई पेंट माई सिटी स्कीम के तहत। और तीसरा, यहाँ पे सबसे बड़ा स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन यहाँ पे देखने को मिला। तो ये 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। 10,000 से ज्यादा सैनिटेशन वर्कर जो हैं एक साथ सफाई करते थे प्रयागराज कुंभ मेला में, ये भी अपने आप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड था। तो ये 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं, सबसे पहला ट्रैफिक प्रबंधन और भीड़ प्रबंधन, दूसरा सबसे बड़ा पेंटिंग एक्सरसाइज वहां पे की गई पब्लिक प्लेसेस में, और तीसरा स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन। इसके अलावा 12 साल बाद यहाँ पे मेला लगा था, क्योंकि हर 3 साल बाद 4 जगह पे लगता है, तो कुंभ मेला का एक साइकिल 12 साल का होता है, क्योंकि कुंभ मेला हर 3 साल बाद लगता है लेकिन जगह बदल जाती है, तो एक ही जगह पे फिर 12 साल बाद लौट के आता है। तो ये 4 जगह कौन सी है जहाँ पे हर 3 साल बाद कुंभ मेला लगता है? एक तो है हरिद्वार, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे लगता है उत्तराखंड। फिर उज्जैन, उज्जैन में शिप्रा नदी जो है मध्य प्रदेश में, यहाँ पे लगता है। उज्जैन में एक मंदिर भी है महाकालेश्वर, ये मंदिर याद रखिए, महाकालेश्वर। फिर है नासिक, नासिक जहाँ से गोदावरी नदी का उद्गम होता है, तो गोदावरी नदी के किनारे महाराष्ट्र, और यहाँ पे जो मंदिर है वो है त्र्यंबकेश्वर।
त्रंबकेश्वर और प्रयागराज, जहां पे तीन नदियां मिलती हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। तो इन चार जगह पे हर तीन तीन साल बाद कुंभ मेला लगता है। अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट म्यूजियम, जिसका नाम है तीतन वाला म्यूजियम। ये राजस्थान के बागड़ू में खुला है, इसका उद्घाटन करा स्मृति ईरानी ने। तीतन वाला म्यूजियम क्या है? देखिए, ये जो जगह है जयपुर अजमेर रोड पे है, ठीक है, जयपुर अजमेर रोड पे है, जयपुर से लगभग 35 किलोमीटर दूर है, जिसको बोलते हैं बागड़ू। वैसे तो बागड़ू में कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन एक चीज के लिए बागड़ू बहुत फेमस है, और वो ये, यहाँ पे हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग की जाती है। यानी कपड़े के ऊपर जो डिजाइन है वो कैसे बनाए जाते हैं, एक लकड़ी का वो ले लिया जाता है डिजाइन, लकड़ी ले ली, उसमें डिजाइन खोद दिया पहले, उस खुदी हुई जगह में शाही डाल दी और फिर वो कपड़ों पे लिटा के उसको दबा दिया। तो वो जो डिजाइन लकड़ी के इसमें होता है कार्व करके, वो कपड़ों पे आ जाता है। इसको बोलते हैं हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग, या इसे वुडन ब्लॉक प्रिंटिंग भी कहते हैं। ये जो लकड़ी होती है ये टीक पेड़ की होती है, तो टीक की लकड़ी से बनता है वुडन ब्लॉक, और ये बहुत फेमस है राजस्थान में। तो इसी के लिए तीतन वाला म्यूजियम बना है। और ये जो काम करते हैं ये चिप्पा समुदाय के लोग करते हैं, जिनको बोलते हैं चिप्पा समुदाय, चिप्पा कम्युनिटी, जो हैंड ब्लॉक पेंटिंग की जाती है। तो इसी के लिए बना है तीतन वाला म्यूजियम। ये म्यूजियम क्या करेगा, ये इनकी हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक को उसका प्रचार और प्रसार करेगा। अब बात करते हैं हस्तशिल्प कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली में इसकी आधारशिला रखी गई, इसका फाउंडेशन स्टोन यानी नींव रखी गई, आधारशिला रखी गई हस्तशिल्प कॉम्प्लेक्स, ये भी रखी स्मृति ईरानी ने। और ये बेसिकली क्या करेगा, जो भी हस्तशिल्प करते हैं, जो कारीगर होते हैं, जिन्हें आर्टिजान्स बोलते हैं, हैंडीक्राफ्ट आर्टिजान, तो ये जितने भी सार्क कंट्रीज हैं, 8 सार्क कंट्रीज हैं, और ये इनमें भारत भी है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसे सार्क बोलते हैं, सार्क देशों के, 8 सार्क देशों के जो भी हैंडीक्राफ्ट आर्टिजन हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं और अपनी हैंडीक्राफ्ट का प्रदर्शन कर सकते हैं, ठीक है, उसकी मार्केटिंग भी कर सकते हैं यहाँ पे। इनफैक्ट अगर दूसरे देशों के आर्टिजन आ रहे हैं, उनके रहने की व्यवस्था होगी, डॉर्मेट्री फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाएगी। इसको बना रहा है NBCC और 113 करोड़ रुपए की लागत से लगभग ये बन रहा है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसका नाम रखा जाएगा दीनदयाल अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प भवन, दीनदयाल अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प भवन। और यहाँ पे कुछ चुनिंदा जो कलाकार हैं, उनको, जो कारीगर हैं कुछ चुनिंदा, उनको अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करने की सुविधा भी दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे वो भारत के क्राफ्ट जो अभी लुप्त होने के कगार पे हैं, उन पर शोध भी किया जाएगा, जिससे उन्हें लुप्त होने से बचाया जा सके। अब बात करते हैं सूरजकुंड मेला, यहाँ पे लगभग 1,000,000 लोग विजिट करते हैं, तो ये इसको भारत का सबसे बड़ा हैंडीक्राफ्ट मेला बनाता है। 33वां सूरजकुंड मेला लगा, ये जनरली फरवरी के जो शुरू के 2 हफ्ते हैं उनमें लगता है, और ये फरीदाबाद हरियाणा में लगता है। इस मेले को ऑर्गेनाइज करता है सूरजकुंड मेला अथॉरिटी, हरियाणा पर्यटन विभाग, और इसमें हमारे केंद्रीय मंत्रालय भी शामिल होते हैं, जैसे पर्यटन मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और विदेश मंत्रालय। इस बार जो थीम स्टेट था वो था महाराष्ट्र, और जो पार्टनर कंट्री था वो था थाईलैंड। तो याद रखिए, पार्टनर कंट्री वो था थाईलैंड और थीम स्टेट था महाराष्ट्र। थीम स्टेट का मतलब ये होता है, जब आप इस मेले में जाएंगे तो अंदर बहुत सारी चीज़ें उनकी प्रदर्शनी की जाती है महाराष्ट्र की, जो भी थीम स्टेट होता है उसकी। और पार्टनर कंट्री वो होता है जो इसको आयोजन में साथ देता है, तो थाईलैंड हमारा पार्टनर कंट्री था इस बार। अब बात करते हैं नेशनल सॉल्ट सत्याग्रह मेमोरियल, तो प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया गुजरात में। और ये कहाँ खुला है, ये खुला है दांडी में। आपने दांडी मार्च सुनी होगी, तो वही है दांडी, ये गुजरात के नवसरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। महात्मा गांधी जी की 71st डेथ एनिवर्सरी थी 30 जनवरी 2019 को, इस उपलक्ष्य में ये खोला गया नेशनल सॉल्ट सत्याग्रह मेमोरियल। तो सॉल्ट सत्याग्रह क्या था, दांडी मार्च जो हुई थी नमक कानून को खत्म करने के लिए महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च करी थी अपने बहुत सारे फॉलोअर्स के साथ। ये शुरू हुई थी 12 मार्च 1930 को और ये चली थी 6 अप्रैल 1930 तक, ठीक है, 24 दिन तक चली थी ये। और ये इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए है, ना सिर्फ इससे नमक का कानून तोड़ा गांधी जी ने, बल्कि ये बाद में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी कन्वर्ट हो गई थी, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी कन्वर्ट हो गई थी। और ये पूरा जो मेमोरियल बनाने का प्रोजेक्ट था ये IIT बॉम्बे ने किया था, ठीक है, IIT बॉम्बे ने डिजाइन किया था ये पूरा प्रोजेक्ट, तो ये भी याद रखिए। इसके बाद मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसने अभी अभी 6 इमारतें भारत की ऐसी हैं जिन्हें मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर करा है, ठीक है।
और इससे टोटल अब मॉन्यूमेंट्स का नंबर हो गया है जो नेशनल इंपॉर्टेंस की मॉन्यूमेंट्स हैं 3693, यानी 3693 भारत में इमारतें ऐसी हैं जो मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस हैं, राष्ट्रीय महत्व की इमारतें। तो इनमें सबसे ज्यादा कहाँ है भारत में अगर मैं पूछूं, सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश में, इनकी संख्या है 745, ठीक है। और दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा है कर्नाटक में 506, ठीक है। दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा कर्नाटक में है 506, और पूरे भारत में उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा भी है कर्नाटक में 506। तो ये कौन कौन सी है छह मॉन्यूमेंट जिनको मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर किया गया है। एक तो है पुराने हाईकोर्ट की बिल्डिंग नागपुर की, आगा खान की हवेली आगरा में, हाथी खाना की हवेली आगरा में, नीम राना की बावड़ी राजस्थान के अलवर में, एक मंदिरों का समूह है रानीपुर जरेल उड़ीसा के बोलनगढ़ जिले में, विष्णु मंदिर कोटली पिथौरागढ़ में। तो ये है वो छह बिल्डिंग जिन्हें मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर किया गया है। एक बात और, कौन सी ऐसी मॉन्यूमेंट है जिसे हम पुरानी यानी एंशियंट बोलते हैं, जो 100 साल से ज्यादा पुरानी होती है उसे हम एंशियंट मॉन्यूमेंट बोलते हैं। अब बात करते हैं पंजतीर्थ की। ये पाकिस्तान में है पंजतीर्थ, और पंजतीर्थ क्या है, पाकिस्तान में खैबर पख्तूनवा, ठीक है, खैबर पख्तूनवा जिसकी राजधानी पेशावर है, खैबर पख्तूनवा के अंदर ये एक हिंदू धर्म का रिलीजियस साइट है, तीर्थ है जिसको बोलते हैं पंजतीर्थ। पंज मतलब होता है पांच, तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे पांच तालाब हैं पानी के, होली नेक्टर, पांच तालाब हैं, और लगभग 1000 से ज्यादा साल पुराना हिंदू रिलीजियस साइट है ये, और ये हस्तनगरी में है जो पेशावर में है खैबर पख्तूनवा में। ये न्यूज में इसलिए आया क्योंकि पाकिस्तान की जो सरकार है, खैबर पख्तूनवा की गवर्नमेंट, उन्होंने इसको एक राष्ट्रीय धरोहर पाकिस्तान की डिक्लेयर करा है पंजतीर्थ को, इसलिए न्यूज में आया। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की सरकार ने यह भी कहा है कि अगर पंजतीर्थ को कोई नुकसान पहुंचाएगा तो उस पर 2 मिलियन यानी 20 लाख रुपए तक का जुर्माना और 5 साल की उसे सजा भी हो सकती है। ऐसा माना जाता है कि पंजतीर्थ जो है, यहाँ पे जो पांडव राजा थे जिनको पांडु बोलते थे, वो इसी एरिया के थे पंजतीर्थ के, और यहाँ पे हिंदू धर्म के लोग अक्सर आया करते थे स्नान करने, जो कार्तिक का महीना होता है उसमें, तो इन द मंथ ऑफ कार्तिक हिंदू जो है यहाँ पे आया करते थे। पंजतीर्थ को तोड़ दिया था अफगानिस्तान के दुरानी वंश ने, लेकिन बाद में फिर इसको वहां के लोकल हिंदुओं ने मिलकर दोबारा इसको ठीक किया और पूजा यहाँ पे दोबारा शुरू की गई थी। तो पाकिस्तान की सरकार ने पंजतीर्थ को नेशनल हेरिटेज डिक्लेयर किया है। एक गोवा में एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बोलते हैं घूमोट, इसको गोवा की सरकार ने, गोवा के संस्कृति विभाग ने अपना हेरिटेज इंस्ट्रूमेंट यानी अपना धरोहर वाद्य यंत्र डिक्लेयर किया है। घूमोट होता कैसा है और दिखता कैसा है, तो घूमोट के अंदर एक घड़ा होता है और ये एक परकशन इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे कि तबला होता है, तबला या ढोलक, ये सब परकशन इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो ये बिल्कुल उसी तरह बजता है। इस ढोलक का जो मुंह है इसको एक जानवर की चमड़ी से बांध दिया जाता है बहुत टाइट, और उस पर फिर फिंगर से जैसे ढोलक बजाते हैं उसी तरह से इसको बजाया जाता है। घूमोट जो है गोवा की संस्कृति में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बैन कर दिया गया था, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। वो क्यों? क्योंकि जो ये चमड़ी यूज होती है घड़े का मुंह बांधने के लिए, ये छिपकली की चमड़ी जिसे बोलते हैं इंडियन मॉनिटर लिजर्ड, उसकी चमड़ी यूज करते थे लोग, और मॉनिटर लिजर्ड जो है ये प्रोटेक्टेड है अंडर द स्केड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट, ठीक है। तो मॉनिटर लिजर्ड का जो शोषण है बहुत एक बड़े लेवल पे हो रहा था, लोग इसको मार रहे थे मॉनिटर लिजर्ड को, और इसकी चमड़ी से ये घूमोट बनाया जाता था। तो सरकार ने ये कहा कि इसको बैन कर दो अभी, और जब कोई दूसरे जानवर की जो कि प्रोटेक्टेड ना हो उसकी त्वचा यूज़ की जाए तब इसको हम यूज़ करेंगे। तो लोगों ने फिर मॉनिटर लिजर्ड की स्किन की बजाय बकरी की स्किन यूज़ कर दी स्टार्ट करनी, तो अब लोग गोट स्किन से इसे बनाते हैं। और गोट जो है आप जानते हैं ये प्रोटेक्टेड नहीं है अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। तो ये है घूमोट जो गोवा का अब से हेरिटेज इंस्ट्रूमेंट डिक्लेयर कर दिया गया। अब हम आते हैं दो भाषाओं के ऊपर। दो भाषाएं अभी अभी खोजी गई हैं। भाषाएं जो होती हैं वो संस्कृति का प्रतीक होती हैं। ये दो भाषाएं पहले जो लिंग्विस्ट थे, लिंग्विस्ट वो व्यक्ति होता है जो भाषाओं का अध्ययन करता है, उन पर शोध करता है, अनुसंधान करता है, उसको बोलते हैं लिंग्विस्ट। और वो व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाएं बोल पाता है उसे बोलते हैं पॉलीग्लॉट। तो ये डिफरेंस होता है लिंग्विस्ट में और पॉलीग्लॉट में। तो लिंग्विस्ट जो है हैदराबाद यूनिवर्सिटी के, उन्होंने दो भाषाएं खोजी हैं। ये पहले लिंग्विस्ट को पता नहीं थी ये दो भाषाएं, एक तो है वाल्मीकि और एक है मल्हार। तो वाल्मीकि भाषा जो है ये
ओडिशा के जो ट्राइबल एरिया हैं, खासकर जो नक्सलवादी एरिया जैसे कोरापुट का एरिया है, कोरापुट एक नक्सल प्रभावित जिला है उड़ीसा का, तो कोरापुट, मलकानगिरी, ये सब जो एरियाज हैं ये नक्सल प्रभावित हैं उड़ीसा में, तो ये कोरापुट में बोली जाती है मेनली। और जो ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर जिले लगते हैं वहाँ पे भी बोली जाती है वाल्मीकि भाषा। जो इस भाषा को बोलने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये भाषा जो है ये संत वाल्मीकि से आई है। संत वाल्मीकि वही जिन्होंने रामायण लिखी, उन्हीं से आई है। हालांकि अभी तक जो शोधकर्ता हैं वो इस बात पर एग्री नहीं हो पाए हैं कि ये भाषा का उद्गम कहाँ से हुआ, ये भाषा कहाँ से पनपी, इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। और दूसरी भाषा है मल्हार। मल्हार भाषा तो बहुत ही कम लोग बोलते हैं, सिर्फ 75 लोग बोलते हैं मल्हार भाषा को। और ये भाषा उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से 165 किलोमीटर दूर एक छोटे से कस्बे में बोली जाती है, जहाँ पे सिर्फ 75 लोग इसे बोलते हैं मल्हार को। मल्हार भाषा भी नहीं पता चल पाया है कि इसका उद्गम कहाँ से हुआ, लेकिन अभी तक जो भी अध्ययन हुआ है उसमें ये पता चला है कि जो द्रविड़ियन भाषाएँ हैं ये उन्हीं का ही एक प्रतीक है, उन्हीं का ही एक सब प्रकार है, यानी कि सब ग्रुप है। तो नॉर्थ द्रविड़ियन सब ग्रुप को बिलोंग करती है ये द्रविड़ियन फैमिली, ऐसा शोधकर्ताओं का मानना है। तो वाल्मीकि और मल्हार ये दो भाषाएं जो है ये खोजी गई। उसके बाद बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट भाषा की जो बहुत न्यूज में चल रही है पिछले एक साल से लगातार, ये है संतली भाषा। संतली भाषा को संतल नाम के जो ट्राइब्स हैं, जनजातियां हैं संतल, वो बोलते हैं। और संतल रहते हैं बंगाल में, झारखंड में, कुछ भाग उड़ीसा और असम, लेकिन मेनली रहते हैं झारखंड और वेस्ट बंगाल में। तो संतल जो ट्राइबल हैं वो बोलते हैं संतली भाषा। ये भारत की पहली जनजातीय भाषा बनी है, यानी ट्राइबल लैंग्वेज बनी है, जिसका अपना विकिपीडिया संस्करण शुरू हुआ। लगभग 300 से ज़्यादा भाषाएं हैं जिनका उपयोग विकिपीडिया करता है, और अब ये उनमें से एक है, लेकिन ये पहली ट्राइबल लैंग्वेज है भारत की जो विकिपीडिया संस्करण जिसका स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो ये विकिपीडिया फाउंडेशन की कमेटी ने अप्रूवल दे दिया। और आपको बता दूं, संतली भाषा लिखी जाती है ओल चिक्की लिपि में। जो लिपि है इस भाषा की वो है ओल चिक्की, और ओल चिक्की जो स्क्रिप्ट है इसको शुरू किया था एक व्यक्ति ने जिनका नाम है रघुनाथ मुर्मू। ये स्क्रिप्ट जो है ओल चिक्की, ये क्रिएट की थी रघुनाथ मुर्मू ने। संतली बोलने वाले जो लोग हैं वो भारत के अलावा बांग्लादेश और नेपाल में भी पाए जाते हैं। संतली भाषा का प्रचार और प्रसार बढ़ रहा है। कुछ लोगों ने तो अपनी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं भी संतली में दी थी। संतली भाषा के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार जो है वो भी दिया गया था इस बार, संतली भाषा में शोध के लिए दिया गया था एक व्यक्ति को। ये व्यक्ति हैं श्याम सुंदर बसरा, इनका नाम आप याद रख सकते हैं। श्याम सुंदर बसरा जो व्यक्ति हैं ये आसानसोल के हैं, पश्चिम बंगाल के, और इन्हें साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था संतली भाषा में अपने उपन्यास के लिए। इसके अलावा शिखा मंडी नाम की एक लड़की है, ये रेडियो जॉकी बनी संतली लैंग्वेज की 2017 नवंबर में, और ये प्रोग्राम रेडियो पे आता है जिसका नाम है रेडियो मिलन 90.4, जिसे पश्चिम बंगाल के झारग्राम और वेस्ट मिदनापुर जिले में सुना जाता है। तो संतली भाषा जो है इट इज़ ऑन दी अपस्विंग, मतलब इसका जो दायरा है वो बढ़ रहा है। आपको बता दूं कि हमारे संविधान का जो 8वीं सूची है, 8th स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें 22 भाषाओं का जिक्र है। ठीक है, और साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिए जाते हैं 24 भाषाओं के लिए। तो ये दो भाषाएं अतिरिक्त कौन सी हैं, एक तो है इंग्लिश और एक है राजस्थानी। इंग्लिश और राजस्थानी हमारे संविधान की 8वीं सूची में नहीं है, और हमारे संविधान की जो 8वीं सूची में भाषाएं हैं वो 22 भाषाएं और दो और इंग्लिश और राजस्थानी, इनको मिला के 24 भाषाओं में साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिए जाते हैं। एक बात और याद रखिए, दो भाषाएं ऐसी हैं जो हमारे संविधान में नहीं है, जैसे विष्णुप्रिय मणिपुरी और भोजपुरी, लेकिन ये दो भाषाएं ऐसी हैं जो नॉन स्केड्यूल्ड हैं, यानी हमारे संविधान की 8वीं सूची में नहीं है, और इसके बावजूद इनका विकिपीडिया संस्करण है, ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं यूनेस्को की विश्व धरोहर की, यानी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूनेस्को का काम ही है विभिन्न देशों की संस्कृति, उनका कल्चर, उनकी जो ट्रेडिशन है, कस्टम्स हैं, उनकी रक्षा करना। यूनेस्को के दो तरह के हेरिटेज होते हैं, एक तो होते हैं अमूर्त, जिन्हें बोलते हैं इनटेंजिबल, जैसे कोई भाषा, कोई म्यूजिक, ये सब, और एक होते हैं टेंजिबल, जिन्हें आप छू सकते हैं, जैसे कि कोई इमारत या कोई उद्यान, कोई बिल्डिंग। तो यूनेस्को के भारत में अब 37 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गए हैं। इस बार जो 37वां वर्ल्ड हेरिटेज हुआ वो हुआ विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको एनसाम्बल ऑफ मुंबई। एनसाम्बल मतलब बहुत सारी बिल्डिंग्स को मिला के बोलते हैं एनसाम्बल। तो इसमें दो तरह का आर्किटेक्चर, जो दो तरह की शिल्पकारिता देखी जा सकती है इन बिल्डिंग्स में,
एक तो है विक्टोरियन गोथिक और एक है आर्ट डेको, ठीक है। और ये गोथिक आर्किटेक्चर वही है जो ब्रिटेन में देखा जाता है। सो इसको मिला है, ये 37वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना है भारत का। भारत के पास अब 37 टोटल हो गए हैं, इनमें से 29 हैं सांस्कृतिक, 7 हैं प्राकृतिक और 1 है मिक्स्ड, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये डिसीजन लिया गया वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की 42वीं बैठक हुई थी बहरीन की राजधानी मनामा में, वहां पे ये डिसीजन लिया गया था। अगर मैं एशिया प्रशांत क्षेत्र की बात करूं, यानी एशिया एशिया पैसिफिक रीजन, तो चाइना के पास सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है एशिया पैसिफिक रीजन में, दूसरे नंबर पर इंडिया है। और अगर मैं पूरी दुनिया की बात करूं तो इटली नंबर वन है, इटली के पास सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, दूसरे नंबर पे चाइना है और छठे नंबर पे इंडिया है। जो एनसाम्बल है इसमें दो तरह के आर्किटेक्चर देखे जाते हैं, एक तो है विक्टोरियन जो 19वीं शताब्दी का है और एक है आर्ट डेको जो 20वीं शताब्दी का है। अगर पूछे कौन कौन सी बिल्डिंग है इसमें, क्योंकि एनसाम्बल तो एक बहुत सारी बिल्डिंग्स का समूह होता है, तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो मुंबई का पुराना सचिवालय है या यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी एंड कन्वेंशन हॉल, बॉम्बे हाई कोर्ट की बिल्डिंग, पीडब्ल्यूडी की बिल्डिंग, वॉटसन होटल, डेविड सेसो लाइब्रेरी, एल्फिनस्टिन कॉलेज, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, महाराष्ट्र पुलिस का हेडक्वार्टर और एनजीएमए नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, तो इन सब के बिल्डिंग्स मिला के ये सब अब आ गई हैं यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। एक बात और याद रखिए, पिछले साल भारत का 36वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना था पूरा अहमदाबाद शहर, द वर्ल्ड सिटी ऑफ अहमदाबाद, जिसका पुराना नाम था कर्णावती। कर्णावती अहमद शाह ने बसाया था इस शहर को, गुजरात में है अहमदाबाद, और ये तीसरा शहर बना एशिया में जो पूरा का पूरा शहर वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना था। इससे पहले दो शहर एशिया के जो हैं जिनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट टैग दिया गया था वो हैं नेपाल का भक्तपुर और श्रीलंका का गाले। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो कि एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, इसकी जो बिल्डिंग है ये हम दूरदर्शन में बचपन से देखते आए हैं, ये बिल्डिंग आपको याद होगा, शेयर बाजार की पहचान बन गई ये बिल्डिंग। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की फिरोजी जेजो भॉय टावर्स इनका नाम है, इसे ट्रेडमार्क मिल गया है। ट्रेडमार्क मिलने का मतलब ये है कि अब ये ट्रेडमार्क एक्ट जो है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का, उसके अंडर रिकॉग्नाइज कर ली गई है। और ये बिल्डिंग जो है फिरोजी जेजो भॉय टावर, ये दलाल स्ट्रीट मुंबई में है, शेयर मार्केट की बिल्डिंग है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग है, 1980 में बनी थी, और जब ये बनी थी तो भारत की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी, याद रखिए। इसका नाम पहले बीएसई टावर था यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज टावर, बाद में इसका नाम पलट के बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन फिरोजे जमशेद जी जेजो भाई के नाम पे रख दिया गया था। और एक बात आपको बता दूं, भारत का जो होटल है जिसे बोलते हैं ताज होटल, जो मुंबई में है, जिस जहां पे आतंकवादी हमला हुआ था, इसे जो है इसे ट्रेडमार्क मिल गया है, याद रखिए, ठीक है, इसको कॉपीराइट मिल गया है। ये भारत का पहला बिल्डिंग है जिसे कॉपीराइट मिला है, यानी कि अब ताज होटल की फोटो आप किसी कमर्शियल उसमें यूज नहीं कर सकते, ठीक है, पूरा इनके पास राइट्स हैं कि ताज होटल के जो फोटो हैं या कोई भी इनकी चीज है वो आप नहीं यूज कर सकते। तो ये भी आपको याद रखना है कि ताज होटल जो है मुंबई का, इसे कॉपीराइट जो है ट्रेडमार्क मिल गया है। अब बात करते हैं पाणिनी भाषा प्रयोगशाला जो मॉरिशियस में खोली है भारत ने, तो पाणिनी लैंग्वेज लेबोरेटरी बनी है भारत में जिससे हिंदी का प्रचार और प्रसार मॉरिशियस में किया जा सके। इस लेबोरेटरी में हिंदी और जो भारतीय भाषाएं हैं उन पर शोध होगा, रिसर्च होगा और मॉरिशियस में उनका प्रचार प्रसार किया जाएगा। मॉरिशियस से हमारे सांस्कृतिक संबंध बहुत अच्छे हैं और 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन भी मॉरिशियस में पिछले साल 2018 में हुआ था। सो इस पाणिनी लैंग्वेज लेबोरेटरी का उद्घाटन किया सुषमा स्वराज ने, जो हमारी विदेश मंत्री हैं, और वहां पे महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट जो है मॉरिशियस में, वहां पे ये सेटअप की गई है, ठीक है। पाणिनी के नाम पे क्यों रखा है, पाणिनी को कुछ लोग फादर ऑफ लिंग्विस्टिक्स भी बोलते हैं, बहुत बड़े भारत के महर्षि थे पाणिनी, इन्होंने एक संस्कृत के ऊपर शोध किया और एक किताब लिखी जिसका नाम है अष्टाध्यायी। तो याद रखिए पाणिनी का सबसे पॉपुलर जो काव्य जो ग्रंथ है वो है अष्टाध्यायी। अब बात करते हैं केरल की, आप जानते हैं केरल में बाढ़ आई और बहुत ज्यादा बाढ़ आने की वजह से केरल की बहुत सारी इमारतें जो वहां की संस्कृति और धरोहर थी उन वो सब तबाह हो गई, केरल की संस्कृति तबाह हो गई। तो केरला की जो धरोहर है, जो हेरिटेज है, उसको दोबारा उसका जीर्णोद्धार करने के लिए, उसका नवीनीकरण आधुनिकरण करने के लिए, उसको दोबारा जीवित करने के लिए इकोमोस ने एक केरला हेरिटेज रेस्क्यू इनिशिएटिव स्टार्ट करा है। अब इकोमोस के बारे में जान लीजिए, इकोमोस की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, ठीक है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स। ये अंतर्राष्ट्रीय जो इमारतें हैं और जो जगहें हैं जो संस्कृति सांस्कृतिक या धरोहर के रूप से इंपॉर्टेंट है उनको बचाने के लिए काम करता है और अत्याधुनिक साइंस और तकनीक विज्ञान का इस्तेमाल करता है बिल्डिंग्स को बचाने के लिए, ठीक है। ये यूनेस्को को भी एडवाइस करता है कि कल्चरल हेरिटेज कैसे प्रिजर्व की जाए,
ये 1965 में बना था, जब बना था तब ये वॉर्सो में बना था, पोलैंड की कैपिटल वॉर्सो में, लेकिन आज इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर भी पेरिस में है। तो इकोमोस एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो मॉन्यूमेंट कंजर्वेशन के लिए काम करती है, यानी जो इमारतें हैं उनके संरक्षण के लिए काम करती है। भारत का पहला म्यूजिक म्यूजियम यह बना है तिरुवयुरू में। तिरुवयुरू जो है ये तमिलनाडु में है, और तिरुवयुरू में ही क्यों बना है भारत का पहला संगीत संग्रहालय, ये इसलिए बना है क्योंकि यहाँ पे संत त्यागराज का जन्म हुआ था। संत त्यागराज जो है ये कार्नेटिक म्यूजियम, कार्नेटिक जो म्यूजिक है इसके तीन स्तंभों में से एक है, जिनको बोला जाता है ट्रिनिटी। ट्रिनिटी मतलब तीन, तीन लोग, जो सबसे इंपॉर्टेंट कार्नेटिक म्यूजिक के तीन लोग हैं उनमें से एक है संत त्यागराज, और बाकी दो हैं मुत्तु स्वामी दीक्षितर और संत श्याम शास्त्री। तो कार्नेटिक म्यूजिक क्या होता है? कार्नेटिक म्यूजिक एक तरह का दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत है, और आजकल जो हमारे युवा हैं कार्नेटिक म्यूजिक में इंटरेस्ट कम ले रहे हैं, इस वजह से कार्नेटिक म्यूजिक को पढ़ाने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए ये संगीत संग्रहालय बनाया गया है, ठीक है। और ये तिरुवयुरू में बनाया गया है जो संत त्यागराज का जन्म स्थान है। कार्नेटिक म्यूजिक में जो ज़्यादा एम्फोसिस दिया जाता है वो संगीत की गायन शैली पे दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो भी कंपोजिशन होती हैं उनको गा के सुनाया जाता है। संत त्यागराज जी जो थे ये कार्नेटिक म्यूजिक के बहुत बड़े प्रोपोनेंट थे। इन्होंने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को बनाने में भी बहुत बड़ा योगदान दिया। जिस वक्त भारत में मराठा वंश का राज था उस वक्त ये मौजूद थे। तो चार मराठी राजा तुलाज, अमरसिम्हा, सरफोजी द्वितीय और शिवाजी द्वितीय जिस वक्त थे उस वक्त ये थे। दूसरे हैं संत मुत्तु स्वामी दीक्षितर, ये भी दक्षिण भारत के बहुत फेमस कवि थे, और इन्होंने हिंदू धर्म के देवी और देवताओं के ऊपर बहुत सारे म्यूजिक बनाए हैं। और तीसरे हैं संत श्याम शास्त्री। अब बात करते हैं नौबिन चंद्रदास की। कौन है ये व्यक्ति? देखिए, बंगाल और उड़ीसा में एक लड़ाई थी, किसको लेके? रसगोला। एक मिष्ठान होता है बंगाल का जिसे रसगोला कहा जाता है, और ये जो मिष्ठान है इसको लेके ये था कि इसका उदय कहाँ हुआ, इसका उद्गम ये कब से शुरू हुआ रसगोला। तो उड़ीसा कहता है कि रसगोला जो है 600 साल पुराना है और उड़ीसा में इसका उदय हुआ। रसगोला सबसे पहले उड़ीसा में खाया गया। तो इन्होंने एक कहानी भी सुनाई कि भगवान जगन्नाथ जो हैं उन्होंने जो जब माता लक्ष्मी नाराज हो गई तो उन्हें खीर खिलाई, और बाद में ये जो खीर है ये रसगोला में बदल गई। तो 600 साल पुराना है, उड़ीसा का है, लेकिन सरकार ने इसे नहीं माना। सरकार ने बल्कि जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग है, जो भौगोलिक संकेतक है, वो बंगाल को दे दिया। सरकार ने ये कहा कि जो रसगोला है इसको 150 साल पहले, ठीक है, नवीन चंद्र दास ने खोजा था। नवीन चंद्र दास, ठीक है। तो 2018 जो साल था ये 150वां साल था इन्वेंशन ऑफ रसगोला का, ठीक है। बंगाल के व्यक्ति थे नवीन चंद्र दास। और पश्चिम बंगाल की सरकार ने यह भी डिसाइड करा है कि 14 नवंबर का दिन जो बाल दिवस होता है या वर्ल्ड डायबिटीज डे होता है उसे हम रसगोला डे के रूप में मनाएंगे, ये भी याद रखिए। और फाइनली जो सरकार है, जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन अथॉरिटी है, उन्होंने वेस्ट बंगाल को अवार्ड कराया ये, ठीक है। तो डाक टिकट जारी करी है जिसपे नवीन चंद्र दास का फोटो है। उसके बाद बात करते हैं संत, एक और परम संत, संत गुरु गोविंद सिंह जी की। गुरु गोविंद सिंह जी जो है ये 10वें गुरु थे, सिख 10वें सिख गुरु थे, और ये आखिरी सिख गुरु थे जो ह्यूमन फॉर्म में थे, क्योंकि जो 11वें सिख गुरु हैं वो होली बुक है जिसको बोलते हैं गुरु ग्रंथ साहिब। और गुरु गोविंद सिंह जी का जो 350वां बर्थ एनिवर्सरी है उस उपलक्ष्य में भारत की सरकार ने कॉमेमोरेटिव कॉइन जो है वो लॉन्च करे। ये 35 ग्राम का सिक्का है, आप यहाँ पे इसे देख सकते हैं सिक्के को, और इसमें 50% जो है वो चांदी है, 40% तांबा है, 5% जो है वो निकल और जिंक है। तो इसके फ्रंट साइड पे क्या बना है? अशोक चक्र बना है, यहाँ पे पूरा हमारा जो सारनाथ का अशोक स्तंभ का ऊपर का हिस्सा वो बना है। भारत इंडिया दोनों भाषाओं में लिखा हुआ है, इंडिया 350 लिखा है, सत्यमेव जयते लिखा है जो हमने मुंडक उपनिषद से लिया था, और रूपी का सिंबल है। और पीछे वाली तरफ पे यहाँ पे तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था पटना में, तो यहाँ पे गुरुद्वारा है जिसको बोलते हैं तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब, ये बना हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे 1666 लिखा है और यहाँ पे 2017। तो इनके जो फादर थे गुरु तेग बहादुर जी वो भी संत थे, और वो 9वें संत थे, ठीक है। तो उनकी शहादत के बाद सिर्फ 9 साल की उम्र में गुरु गोविंद सिंह जी जो हैं वो 10वें संत बना दिए गए थे, और इन्होंने खालसा पंथ की शुरुआत करी थी। जो 5K बोलते हैं हम सिख धर्म में, वो भी गुरु गोविंद सिंह जी ने शुरू किए थे, जैसे कि केश, तो जो सिख लोग हैं वो बाल नहीं काटते, केश, कंघा, कड़ा, कड़ा मतलब जो हाथ में पहनते हैं, किरपान और कचहरा।
तो ये जो है ये पांच चीजें हैं जो पांच के बोला जाता है सिख धर्म के, इनकी शुरुआत भी की थी संत श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने। तो ये याद रखिए 350 रुपीज का सिक्का जो है वो लॉन्च किया गया है। अब बात करते हैं एक और चीज जिसका संबंध सिख धर्म की संस्कृति से है, वो है करतारपुर साहिब कॉरिडोर। तो ये समझना कोई मुश्किल नहीं है, ये देखिए मैं बीच में एक लाइन बना देता हूं। इस लाइन को आप एक नदी मान लीजिए, ये नदी है रवि नदी, ठीक है, रवि जो रवि नदी जो सिंधु नदी की सहायक नदी है, और इस लाइन के इस तरफ पश्चिम में इस तरफ है पूर्व। तो पश्चिम की तरफ चलते हैं तो ये आ गया पाकिस्तान, ये पाकिस्तान वाला पंजाब है, ठीक है, और यहां पे जो है ये भारत वाला पंजाब है। तो भारत का जो पंजाब है यहां पे जिला है गुरदासपुर, और गुरदासपुर में है डेरा बाबा नानक, गुरदासपुर में है डेरा बाबा नानक, और नदी के इस पार जो पाकिस्तान वाला पंजाब है यहां पे एक डेरा है, यहां पे भी एक गुरुद्वारा है, और ये जो गुरुद्वारा है यहां पे गुरु नानक जी जो हैं उन्होंने अपने जीवन के अंतिम 18 साल बिताए थे, और शरीर छोड़ा था वो भी यहीं पे छोड़ा था 1539 में, जो डेथ हुई थी गुरु नानक जी की, जो पहले सिख गुरु थे। तो इसलिए सिख धर्म के लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्व रखता है ये पाकिस्तान वाला जो एरिया है जिसे करतारपुर कहते हैं। तो करतारपुर में जो गुरुद्वारा है ये पाकिस्तान के पंजाब में है, और अब बीच में रावी नदी है तो इसके ऊपर से एक रोड बनाया जाएगा जो गुरदासपुर में डेरा बाबा नानक को जोड़ेगा पाकिस्तान में करतारपुर में इस गुरुद्वारे को। तो इसका ये 4 किलोमीटर का रास्ता है, कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन सीमा के उस पार है, ठीक है। तो पाकिस्तान की परमिशन चाहिए थी, तो जब नवजोत सिंह सिद्धू गए थे पाकिस्तान तो पाकिस्तान जो है वो मान गए, और इनकी इसकी आधारशिला भी रख दी गई है। तो ये बनेगा 4 किलोमीटर का रोड जिसे नाम दिया गया है करतारपुर साहिब कॉरिडोर। और ये जो गुरुद्वारा है पाकिस्तान की तरफ जो करतारपुर में है, ये 1999 में खोल दिया गया था, तब से जो भारत के सिख हैं वो यहाँ पे दर्शन करने जाते हैं साल में 4 बार, एक तो बैसाखी के दिन, एक गुरु अर्जन देव जी की शहीदी के दिन, एक महाराजा रंजीत सिंह जी की शहीदी के दिन, उनकी डेथ एनिवर्सरी के दिन, और एक गुरु नानक जी के बर्थडे के दिन, ये 4 दिन जाते हैं। और इस साल 29 नवंबर 2019 को गुरु नानक जी के 550 साल पूरे होंगे, उनकी जयंती होगी 550वीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये बनना करतारपुर साहिब कॉरिडोर। एक और कॉरिडोर जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो है शारदा पीठ कॉरिडोर, ठीक है। कॉरिडोर मतलब गलियारा, कोई रास्ता, ठीक है। शारदा पीठ मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, दिक्कत ये है कि शारदा पीठ जो मंदिर है वो मुजफ्फराबाद के पास है, और मुजफ्फराबाद पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की राजधानी है। तो मुजफ्फराबाद से 160 किलोमीटर दूर है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में नीलम घाटी के पास ये शारदा पीठ मंदिर, ये सरस्वती माता का मंदिर है, और जो 18 शक्तिपीठ है उनमें से एक है। तो खास तौर पे जो कश्मीरी पंडित हैं उनके लिए बहुत महत्व रखता है ये, और जब से पार्टीशन हुआ है ये पाकिस्तान की साइड है और भारतीय लोग जो हैं वो यहाँ पे नहीं जा पाते थे, और पूरा का पूरा जो मंदिर है ये टूट चुका है, इसको रेनोवेट नहीं कराया गया है, लेकिन पाकिस्तान ने कहा है कि वो शारदा पीठ कॉरिडोर खोलने के लिए भी तैयार है, याद रखिए। तो शारदा पीठ कॉरिडोर और करतारपुर कॉरिडोर दोनों के बारे में प्रश्न जरूर आपसे पूछा जाएगा। अब बात करते हैं एक उड़ीसा में जगह है ललितगिरी, वहां पे एक नया पुरातत्व विभाग का म्यूजियम खुला है जिसका नाम है ललितगिरी आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम। ललितगिरी जो जगह है ये बुद्ध धर्म के लिए बहुत महत्व रखती है, सबसे पुरानी बुद्धिस्ट सेटलमेंट्स में से है ये उड़ीसा के अंदर, और कटक डिस्ट्रिक्ट में है, कटक जो कि महानदी के किनारे है वहां पे है ललितगिरी नाम की जगह। यहाँ पे जो खुदाई हुई उसमें बहुत सारे तरह के सील्स मिले, बहुत सारे तरह के इंस्क्रिप्शन मिले, दीवारों के ऊपर लिखे हुए लेख मिले जो सारे बुद्ध धर्म के हैं, और यहाँ पे ताबूत भी मिले हैं, कास्केट मिले हैं, उन ताबूतों में हड्डियों के अवशेष मिले हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो पूरा का पूरा जो ललितगिरी है इसे म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है, ठीक है, पूरा का पूरा जो है ये इसे म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है। तो यहाँ पे हम सिर्फ सांस्कृतिक म्यूजियम की बात कर रहे हैं, इसके अलावा भारत में कुछ और तरह के म्यूजियम भी खुले हैं, जैसे भारत का पहला इंसेक्ट म्यूजियम खुला है अभी, ये खुला है कोयम्बटूर में, भारत का पहला इंसेक्ट म्यूजियम, भारत का पहला जो मकड़ियों के लिए म्यूजियम है जिसे बोलते हैं अरेक्नेरियम, मकड़ियों जहां मकड़ियां रखी जाती हैं, 150 से ज्यादा मकड़ियां रखी गई हैं यहाँ पे, 150 से ज्यादा मकड़ियों की प्रजातियां रखी गई हैं यहाँ पे, तो ये खुला है जबलपुर में। तो ये एनवायरमेंट इकोलॉजी के लिए आपके लिए यूजफुल हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं पाइका विद्रोह की। तो जो हमारी भारत की सरकार है उन्होंने एक अलग विभाग बना दिया है पाइका रिबेलियन के नाम पे, उनकी याद में उत्कल यूनिवर्सिटी में। आपको बता दूं उड़ीसा का पुराना नाम उत्कल था, और ओडिशा का जो फाउंडेशन डे होता है उसको भी उत्कल दिवस के रूप में मनाते हैं। ओडिशा का एक पुराना नाम कलिंग भी था, और यूनेस्को ने जो कलिंग पुरस्कार देती है वो भी ओडिशा सरकार के साथ मिलकर देती है। तो उत्कल यूनिवर्सिटी में बना है पाइका रिबेलियन के लिए एक अलग डिपार्टमेंट, एक चेयर,
और प्रधानमंत्री मोदी ने एक कॉइन और एक डाक टिकट भी जारी करी पाई का विद्रोह की। ठीक है, अभी तक हमें यह पढ़ाया जाता था हमारी इतिहास की किताबों में कि 1857 की जंग ये पहली जंग थी अंग्रेजों के खिलाफ। नहीं, ऐसा नहीं है। इससे 40 साल पहले सन 1817 में पाई का विद्रोह हुआ था। और पिछले साल हमारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो हमारी शिक्षा को देखता है, एजुकेशन इज अ सब्जेक्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, राइट, तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मंत्रालय जो है उन्होंने इस बात को माना कि हाँ 1817 ही पहला विद्रोह था, और अब से जो एनसीईआरटी की किताबें हैं उसमें 1817 को ही पहला स्वतंत्रता संग्राम पढ़ाया जाएगा। तो पाई का विद्रोह कब हुआ था? देखिए, उड़ीसा में राजवंश जो था, खुर्दा के राजा थे, उनका नाम था राजा मुकुंद देव। ठीक है, ये खुर्दा के आखिरी राजा थे और इनको हटा दिया था सत्ता से अंग्रेजों ने। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उड़ीसा पे राज करना शुरू कर दिया था 1803 से। जैसे ही ये राज करना शुरू करा तो जो उड़ीसा के जो लोग हैं लोकल, जिन्हें पाइक बोलते थे, पाइका या पाइक बोलते हैं, इनका शोषण शुरू हुआ। सामाजिक शोषण, आर्थिक शोषण, राजनीतिक शोषण, हर तरह का शोषण इनका किया गया। इससे इनकी जो प्रेस्टीज है वो कम हुई और ये सारे एकत्रित हुए, इन्होंने हथियार उठा लिए। तो याद रखिए, ये एक आर्म्ड स्ट्रगल था। ठीक है, ये शांति वाला स्ट्रगल नहीं था, ये प्रॉपर एक हथियारों के साथ था। और इनके लीडर थे बख्शी जगबंधु, जो कि खुर्दा के आखिरी राजा मुकुंद देव के कमांडर थे। तो बख्शी जगबंधु ने इनको एकत्रित किया, इनको ऑर्गेनाइज किया और अंग्रेजों के खिलाफ जो है वो लड़ाई छेड़ दी। लेकिन ऑफकोर्स अंग्रेज बहुत ताकतवर थे, तो ये लड़ाई जो है अंग्रेजों ने आसानी से जीत ली और पाई का विद्रोह कुचल दिया। तो पाई का विद्रोह जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहला स्वतंत्रता की जंग थी उड़ीसा के अंदर। सो ये था हमारा कंप्लीट वीडियो आर्ट एंड कल्चर का। इस वीडियो पर आपके जो भी विचार हैं मैं जानना चाहूंगा। आपको ये ज्ञानवर्धक लगा, अच्छा लगा, कैसा लगा, कोई सुधार की गुंजाइश है तो वो भी आप कमेंट्स में लिख के मुझे जरूर बताएं। और मैं आपको याद दिला दूं, एक तो आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर, और दूसरा हमारे जो पेनड्राइव कोर्स अवेलेबल हैं, इनसे आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं हाई क्वालिटी वीडियोज़ देखकर। ये कोर्सेज उनके लिए डिज़ाइन किए गए हैं जो घर बैठे ही अपने कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं और बिल्कुल बेसिक से अपनी तैयारी शुरू करना चाहते हैं। तो किसी भी कोर्स को खरीदने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें studyiq.com। तो मिलते हैं अगली सीरीज में। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।